नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में। मैं हूं मोहम्मद आसिम। और दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरा आखिरी वाला लेक्चर देख लिया होगा। वो एक मैंने आपको एक स्पेशल लेक्चर दिया था जो एक ब्रिज लेक्चर टाइप था, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 को सुनने से पहले या पढ़ने से पहले। बहुत सारी चीज़ें थी जो कहानी थी वो लिंक करी मैंने। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से अंग्रेज जब इंडिया आ रहे थे तो कैसे उनको कई अदर यूरोपियन कंट्रीज के का सामना करना पड़ा, कंपटीशन फेस करना पड़ा, और कैसे अंग्रेजों ने अपने राइवल्स को धीमे धीमे एलिमिनेट कर दिया और अकेले भारत की चाबी या भारत पे कंटेंडरशिप उन्होंने अपनी बना ली थी। और जब मैंने आपको लेक्चर एंड किया था तो मैंने आपको एक सवाल दिया था, छोटा सा, कुछ बच्चों ने जवाब दिया। उसका सवाल ये था कि भाई ये कंपनी जो अभी डेक्कन में थी, साउथ में थी, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रही थी, कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक साउथ में, क्यों ये कंपनी कर्नाटक से जंप लेती है बंगाल की तरफ? कर्नाटक में लड़ाई चल रही है, अचानक से आप देखोगे अपना जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 में तो ये सीधे बंगाल से स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये भी आंसर आपको आज मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, किताब तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन बहुत सारी स्टोरी है जो बीच में आपको पता होनी चाहिए ताकि आपकी कनेक्शंस जो है, कहानियां, वो बनी रहे तो आपको याद करना आसान रह जाएगा, उसको रिमेम्बर करना आसान रहेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा आपका आज का लेक्चर, धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहले जरा आप यहां पर मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या मैं आपको बता रहा हूं, एकदम बेसिक से चलेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब था। औरंगजेब की डेथ कब होती है? औरंगजेब की डेथ होती है सर 1707 में, याद करिए। हाँ सर, ये तो बताया था। और जाहिर सी बात है, जब औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब की डेथ के बाद रीजनल किंगडम्स यहाँ पर अपनी पावर को असर्ट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर नए नए रीजनल किंगडम्स थे और उन नए रीजनल किंगडम्स के आप सूबेदारों को देखेंगे, यानी कि गवर्नर्स को देखेंगे, सूबेदार्स और जमींदार्स, ये लोग अपनी पावर को असर्ट करने लगे। सूबेदार्स और जमींदार, ये लोग अपनी पावर को असर्ट करने लगे। Asserted their power. ये लोग अपनी पावर को यहां पर assert करने लगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? पावर assert कर रहे हैं कि भैया हम भी तो पावरफुल हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या देखने को मिला कि जो दिल्ली था, दिल्ली, अब दिल्ली की जो पावर है वो यहां पर धीरे धीरे वो कम होने लगी। ये बात अग्री करोगे कि नहीं करोगे? हाँ। तो सवाल ये उठता है कि सर कैसे जो एक कंपनी, एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी, एक पहले स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, सवाल देखो क्या है, यही सवाल हम ढूंढेंगे आज, जवाब ढूंढेंगे, जो एक छोटी सी पहले स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी, किस प्रकार से वो कंपनी यहां पर कॉन्करर हो गई इंडिया की और उसने भारत पे कब्जा कर लिया। चैप्टर का नाम भी यही है, ट्रेड टू टेरिटरी। कैसे एक कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी वो इंडिया में टेरिटरी अपनी अपना बनाने लगी और उसने अपना पूरा एक एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया जिसको हम ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत बड़ा आ गया और इसी का जवाब हम लोग यहाँ पर इन चैप्टर्स में या इस क्लास में पूरी हम ढूंढते चलेंगे। बात समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दोस्त जरा देखिए, पहला जो हेडिंग आपके एनसीईआरटी में है, नोट करिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। समझ रहे हो मतलब ना, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईआईसी वो इंडिया ईस्ट आ गई, मतलब इंडिया पहुंची। ठीक है, अब सीधी बात यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जब भारत आई तो सबसे पहले इसको चार्टर मिल गया कि ये ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकती है इन 1600। सबसे पहले चार्टर दे दिया गया इसको कि भैया यू हैव द सोल राइट्स कि आप ईस्ट के साथ, भारत के साथ यहां पर ट्रेड करेंगे, सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। क्लियर है? किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कंपनी है, ध्यान रखो, बेसिक समझ लो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है। ये कंपनी का काम क्या है? ट्रेड करना, व्यापार करना। इसको ये एक चार्टर मिल गया, राइट मिल गया कि आपके पास सोल अधिकार है, जाइए आप ईस्ट के साथ ट्रेड करिए। लेकिन ये जो रॉयल चार्टर उसको मिला, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज को एंटर करने से, इंडिया में एंटर करने से नहीं रोक पाया। इसीलिए आपने देखा कि कितने सारे कंटेंडर्स इंडिया में आए,
मैंने आपको पोर्चुगीज, मैंने आपको डच, मैंने आपको इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब बताया। और फिर मैंने आपको स्टोरी बताई थी किस प्रकार से ये डच इंग्लिश जो है आपको एलिमिनेट करता है। तो जरूरत क्या थी? जरूरत थी कि सब अपने अपने राइवल्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है, ये जरूरत थी। जरा नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, प्लीज नोट इट विद मी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा पहला पॉइंट, फर्स्ट 1600 में आप देखोगे तो चार्टर मिल गया, काहे के लिए, सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, सोल राइट टू ट्रेड इन ईस्ट, ये चार्टर मिल गया, ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब ये जो रॉयल चार्टर था, रॉयल चार्टर, ये स्टॉप नहीं कर पाया अदर यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया में एंटर करने से, एंट्री इन इंडिया, ये इसको रोक नहीं पाया। और इसी वजह से मैंने आपको पॉइंट नंबर सी पे क्या मैं बता रहा हूं कि भाई बहुत सारे कंटेंडर्स थे जो इंडिया के थे, कंटेंडरशिप फॉर इंडिया की बहुत ज्यादा लोगों की यहां पर आ गई थी। मैंने कहानी में आपको ये चार चीजें डिस्कस करी थी, वो ब्रिज की तरह था, लेकिन एनसीईआरटी पे हम आएंगे। ये तो मैंने आपको बताया था, क्या क्या मैंने बताया था, पोर्चुगीज थे, मैंने बताया था आपको डच, मैंने बताया था आपको इंग्लिश, याद करिए सब चीजें, इंग्लिश, और मैंने बताया था आपको फ्रेंच। ये पूरी मैंने आपको कहानी बताई थी कि डच और इंग्लिश के बीच में तो एग्रीमेंट हो गया था, डच ने कहा भैया हमें आपसे लड़ना नहीं है, आप भारत रख लो लेकिन हमको मसाले दे दो। तो इस तरह से डच का खेल यहां खत्म हो गया, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और डच का खेल यहां खत्म हो गया, ठीक है। पोर्चुगीज की यहां पर क्या मैट्रिमोनियल लाइसेंस हो गए थे, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। जो यहाँ रानी थी कैथरीन, उसकी शादी चार्ल्स से हो गई थी, तो भैया पोर्चुगीज का खेल भी खत्म हो गया। अब बचा था खाली इंग्लिश और फ्रेंच, और इनके बीच में मैंने आपको बताया था क्या हुई थी, इनके बीच में हुई थी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, याद करिए। तो मैंने आपको ही बताया था किस प्रकार से चीजें चली, और मैंने आपको तीनों एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को डिस्कस भी किया था इन ब्रीफ, ताकि कहानी आपको बनी रहे। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से बताया था जो कहानी चल रही थी, लेकिन एनसीईआरटी में अब बताएगा कि भाई देयर वाज अ नीड टू एलिमिनेट दी राइवल्स, जो बाकी राइवल्स थे उनको एलिमिनेट करने की जरूरत थी, ठीक है ना, लिखिएगा नीड टू एलिमिनेट राइवल्स को एलिमिनेट करने का यहां पर नीड था। तो बात आती है कैसे राइवल्स को एलिमिनेट किया गया। नेक्स्ट प्लीज देखिए, गिव द हेडिंग हाउ राइवल्स एलिमिनेटेड। अब यार देखो, एक कॉमन चीज है, आप अपने राइवल्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, आप उसके काम में ट्रेड में अड़चन पैदा कर दो, क्योंकि वो आए तो ट्रेड करने थे, तो कौन ट्रेड करेगा, किसके पास राइट्स होने थे, इस चीज को लेकर विवाद था। तो अगर उनके ट्रेडिंग राइट्स को ही ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, उनको परेशान करोगे, तो राइवल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, और यहां पर यही हो रहा था। प्लीज सी क्या हो रहा था, प्लीज सी फर्स्ट पॉइंट क्या किया गया कि जो राइवल्स के यहां पर शिप्स थे उसको सिंक कर दिया गया, उसको ब्लॉक किया गया। लो भाई, आपकी शिप को ही सिंक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो क्या करेगी, ट्रेड कैसे करेगी, कैसे सामान बाहर ले जाएगी, नहीं ले जा पाएगी। दूसरा पॉइंट नंबर बी सप्लाई जो हो रही थी गुड्स की वो रुकवा दी गई, प्रिवेंटेड व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स। और पॉइंट नंबर सी ये कहा गया कंपनी के द्वारा कि हमको अपने सेटलमेंट्स को और एक्सपैंड करना है और गांव को खरीदना है, तो एक्सपेंशन के लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि सेटलमेंट जो हमारे हैं, हम जहां अभी रह रहे हैं, जो हमारे सेटलमेंट्स हैं, उनको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। हमको गांव खरीदने हैं, हमें और मतलब एरिया अपने अंडर लेना है, बाइंग विलेजेस। ये चीज नेसेसरी बताई गई कि एक्सपेंशन के लिए ये चीज नेसेसरी थी, क्लियर बात है। यहां पर ये चीज ये लोग कर रहे थे, राइवल्स इस प्रकार से यहां पर काम इस तरह से अपने दुश्मनों की यहां पर प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे, क्लियर है, ठीक है। और तीसरी चीज यहां पर आप ये लिखिए, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब इनफैक्ट आप राइवल्स ऐसा कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, फोर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट, ये लिख लीजिए आप, जहां से ट्रेड हो रहा था
उस ट्रेडिंग पोस्ट पे किसी प्रकार का दिक्कत ना है उसकी किलेबंदी कर दी गई, ताकि कोई हमारा राइवल हमारे ट्रेडिंग पोस्ट तक ना पहुंच पाए। और हमारा ट्रेडिंग पोस्ट अगर सेफ है तो मतलब हम ट्रेड हम कर रहे होंगे। अगर आपका ट्रेडिंग पोस्ट कब्जा लिया गया, इसका मतलब ट्रेड कोई और करेगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति का अगर हमको ट्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो उसको एक्सेस ही मत दो ट्रेड का। इसलिए यहाँ पर फोर्टिफिकेशन होने लगा ट्रेडिंग पोस्ट का। राइवल्स ने कैसे एलिमिनेट किया, 3 पॉइंट। क्लियर है? अब सवाल यह है कि कंपनी क्यों कंपनी यहां पर लीव करती है। कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल, आपकी एनसीईआरटी में अगली हेडिंग है। प्लीज गिव दी हेडिंग, कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल। कंपनी जो है वो बंगाल में अपना ट्रेड स्टार्ट करती है। कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल, पहला सवाल यही है कि कंपनी क्यों लीप लेती है। वाई कंपनी टुक अ जंप फ्रॉम कर्नाटक टू बंगाल। पहले तो यही आंसर क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन, वाई कंपनी टुक अ जंप, यही क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। वाई कंपनी टुक अ जंप कहां से, फ्रॉम कर्नाटक टू बंगाल। क्यों कंपनी यहां पर ये जंप लेती है, चलिए पहले इसको यहां डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, पहला पॉइंट आइए, फर्स्ट पॉइंट, पहला रीजन ये था कर्नाटक से बंगाल जाने का कि मराठास अभी भी पावर में थे। पॉइंट नंबर टू। दूसरा, बंगाल में ट्रेटर्स बहुत थे, दगाबाज, और वो ट्रेटर्स कंपनी का काम जो है वो आसान कर रहे थे, इंडियंस को धोखा दे देके, ठीक है, इंडियन रूलर्स को धोखा देके। एंड पॉइंट नंबर सी, आप देखोगे 1651 से लेकर 1717 तक, इस टाइम पीरियड में यू विल सी कि कंपनी थी उसने बहुत सारा अपना इंटरेस्ट यहां पर गेन किया बंगाल में। कंपनी का बहुत इंटरेस्ट आ गया बंगाल के अंदर। पर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का इस पीरियड के बीच में बंगाल को लेकर बड़ा इंटरेस्ट आ गया। समझ रहे हो, कंपनी का इंटरेस्ट क्या बन रहा है भाई। अभी तक कंपनी कहां थी, डेक्कन में, साउथ में लड़ रही है, लेकिन 1651 से लेकर 1717 के बीच में कंपनी का काफी रुझान, काफी इंटरेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ गया। क्यों बढ़ा, रीजन चलिए लिखिए। पहला रीजन 1651 में यू विल सी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हो जाती है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। और कहां सेटअप होती है, हुगली में, हुगली रिवर के पास, बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, मतलब कैलकटा। तो एक तो रीजन ये था क्यों कंपनी का इंटरेस्ट जो है बंगाल में आ गया, ठीक है। दूसरा, सेकंड 1698 में आप देखोगे कि मुगल ऑफिशियल्स उनको ब्राइब कर लिया गया। अब एक्चुअली मुगल ऑफिशियल जहां यहां पर देखोगे तो कौन था, अजीमुशान, ठीक है। तो उसको यहां पर ब्राइब कर लिया गया, एंड उसको ब्राइब कर लिया तो उससे जमींदारी राइट्स ले लिए गए 3 विलेजेस के। उसमें से एक विलेज था कालीकट, और 2 विलेज के नाम सूतनती और गोविंदपुर, ठीक है। लेकिन कालीकट का यहां पर बेसिक रेफरेंस क्लास 8 के एनसीईआरटी में आता है, ठीक है। ब्राइब किया, उसको पैसे दे दिए, तो उसने कहा भैया बदले में क्या मिलेगा, मतलब हम तुमको, मतलब ब्राइब कैसे किया, तुमको पैसा दे देते हैं तो हमको जमींदारी राइट दे दो, ठीक है ना। नोट करिए, जमींदारी राइट्स गेव जमींदारी राइट्स किसका लिखिएगा, कालीकट। अब यहां पर दो और है, सूतनती और गोविंदपुरी, वो मैं बता नहीं रहा हूं अभी आपको, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट 1651 1698, थर्ड प्रॉक्सिमिटी टू, एक रीजन ये भी तो था, प्रॉक्सिमिटी टू गोल्डन लैंड। भाई गोल्डन लैंड क्या है, याद करो, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, भाई बंगाल का रास्ता तो पास ही खुलता है ना। तो एक तो फायदा उनको यहां पर ये मिलने वाला था कि हमेशा ऐसे यहां पर इनके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे क्या किया उन लोगों ने, भाई देखो मैंने आपको बताया कि पहली सर फैक्ट्री उन्होंने बनाई, फर्स्ट
फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ बनी, कहाँ बनी, हुगली के पास, नोट करते जाइएगा, हुगली रिवर के बैंक्स पे, हुगली रिवर पर एग्जैक्टली बैंक्स पे, ठीक है ना। और कहाँ हो गया ये, कलकत्ता हो गया। अब ये जो फैक्ट्री का मतलब क्या था, फैक्ट्री मतलब यही तो था वेयर हाउस जहां कंपनी के सामान रखे जाते थे, यही तो एक्चुअली उनका क्या था, ऑफिशियल्स, जहां पर इनके ऑफिशियल्स बैठा करते थे, यही तो उनका बेस था, यही तो उनका हेडक्वार्टर था, फैक्ट्री हेडक्वार्टर, ठीक है। और दूसरा चीज, दूसरी चीज, ये जो फैक्ट्री थी इसमें आप देखोगे कि जो लोग थे इनके, मतलब जो इनके ट्रेडर्स थे और जो इनके ऑफिशियल्स थे, वो इसी के अगल बगल आके, इसी के अगल बगल आके सेटल होने लग गए। मतलब उनको बोला गया कि आप अगल बगल आइए और इसी के आसपास सेटलमेंट कर लीजिए अपना। तो ये सेटलमेंट इनका इसी फैक्ट्री के अगल बगल होने लगा। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने इस पूरे एरिया को फोर्टिफाई कर दिया, किलाबंदी कर दी, फोर्टिफिकेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फोर्टिफिकेशन कर दिया। जहां पर इनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अराउंड उनके ट्रेडर्स, उनके पूरे ऑफिशियल्स रह रहे हैं, और उस एरिया को पूरा किलाबंदी कर दी ताकि कोई दुश्मन ना पहुंच पाए। यहां पर जो लोग काम करते थे, यहां इस बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इनको, इनको बोलते हैं यहां पर फैक्टर्स, ये एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है, फैक्टर्स, क्लियर है। प्लस अब यहां पर साथ में औरंगजेब को परसुएट किया गया, औरंगजेब को, औरंगजेब परसुएटेड, औरंगजेब को क्या परसुएट किया गया, क्या औरंगजेब से यहां पर बोला गया, बोला गया इशू कर दीजिए आप, इशू व्हाट, फरमान, आप फरमान यहां पर इशू कर दीजिए। अब देखो यहां फरमान का मतलब क्या है, फरमान का मतलब था राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। ओ भाई, राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। अब देखो किस प्रकार से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों की पहुंच बढ़ती जा रही है, देख रहे हो क्या उन्होंने कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अब मैं यहां पर कैप्टन हॉकिंग्स, थॉमस रो की बात अभी लेके नहीं आया हूं, जिन्होंने एक्चुअली परमिशन ली थी कि फैक्ट्री लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कोई बाहर से आएगा फैक्ट्री लगा के चला जाएगा। अभी और डिटेल डिस्कशन है जो बाद में आएंगे, लेकिन ये समझ लो भाई बाहर से आओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ के एम्परर से पूछोगे, तो कैप्टन हॉकिंस, जो थॉमस रो, इन सब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में इसको करेंगे, ठीक है। तो कंपनी ने अपना ट्रेड शुरू किया बंगाल में, बंगाल में ट्रेड कैसे करोगे, कहीं तो शुरू करोगे। तो भैया उन्होंने क्या किया, कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी 1651 में, तभी तो ट्रेड करेगा यहाँ से हुगली रिवर किनारे। और यही जो फैक्ट्री है, यही उनका बेस है, यही उनका हेडक्वार्टर्स है, यही उनका वेयर हाउस है। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द, इस फैक्ट्री के अराउंड उनके ऑफिशियल रहने लग गए और इस पूरे एरिया को फोर्टिफाई कर दिया गया। साथ में अब औरंगजेब को, अब अंग्रेज कह रहे हैं, कंपनी कह रही है कि भैया आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान का मतलब यहाँ क्या था, राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, बिना ड्यूटी के, बिना टैक्स के यहाँ पर फ्री ट्रेड हो जाए। ये औरंगजेब से यहां पर परसुएशन किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अजीमुशान बोल रहा हूं, यहां तक बात क्लियर आ गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब ये बात तो ठीक है कि भैया परसुएट किया गया, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या आई, दिक्कत इस बात की आई कि भैया जब ये फरमान यहां पर दिया गया तो इसको मिसयूज किया गया, मिसयूज बाय कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के ऑफिशियल्स ने उसको यहां पर मिसयूज किया बहुत ज्यादा, कंपनी के ऑफिशियल्स ने यहां पर उसको मिसयूज किया। कंपनी के लिए दिया गया था लेकिन लोग अपने पर्सनल ट्रेड के लिए सामान खरीदने को वो लोग इसे खरीद रहे थे और टैक्स नहीं पे कर रहे थे। भाई ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ, टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये काम कंपनी के लिए खाली था, लेकिन उसकी जगह कंपनी के ऑफिशियल्स भी मिसयूज कर रहे थे और अपना सामान भी खरीद के बाहर मतलब ले रहे थे और टैक्स नहीं दे रहे थे। बात समझ में आ गया, ये था कंपनी ने किस प्रकार से अपना ट्रेड शुरू किया। नाउ प्लीज गिव द हेडिंग, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, लिखिएगा हेडिंग डाल दीजिए, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब जरा कॉमन चीजें हैं, पहले कहानी सुन लो, सब बातें क्लियर हो जाएंगी, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब एक बात जो समझनी है वो ये कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे, समझना जरा, औरंगजेब की डेथ, औरंगजेब एक एम्परर था पूरे मुगल एम्पायर का, पूरा मुगल एम्पायर जो इंडिया पर पूरा राज था। तो जब औरंगजेब की डेथ हुई तो बंगाल के जो गवर्नर, छोटा सा प्रोविंस बंगाल, उसके गवर्नर अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करने लग गए कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो गवर्नर जो बंगाल के, जहाँ पर नवाब थे, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, ये सब लोग,
ये सब लोग उसके बाद आए गद्दी बैठे। ठीक है, तो जब तक मुर्शीद कुली खान था, अली वर्दी खान था, तब तक तो सिचुएशन पूरी कंट्रोल में थी और बंगाल जो है इन नवाबों के हाथ में था। अंग्रेज कुछ बाका नहीं हिला पा रहे थे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन जब सिराजुद्दौला गद्दी बैठा तो वहां से सिचुएशन थोड़ी बदलने लग गई। कहानी सुनना ध्यान से, ठीक है। औरंगजेब की डेथ, पूरे एम्पायर एम्परर था, डेथ, बंगाल के नवाब अपनी जो अपनी पावर है उसको असर्ट करने लग गए। ठीक है, तो फ्रॉम मुर्शीद कुली खान टिल अली वर्दी खान, बंगाल जो था वो पूरी तरह से नवाबों के कंट्रोल में था। लेकिन अली वर्दी खान के बाद जब सिराजुद्दौला गद्दी बैठता है तो सिचुएशन बदल जाती है। क्या बदल जाती है? सिराजुद्दौला बेसिकली एक यंग खिलाड़ी है, बड़ा यंग है वो, और काफी एनर्जी बहुत है अंदर, एक्साइटेड रहता है। लेकिन ये कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में बदल जाता है, और ओवर एक्साइटमेंट शो कर रहा है कि वो आदमी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस था, सिराजुद्दौला। तो कंपनी ने देखा कि यार आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो कंपनी ने सिराजुद्दौला के जो राइवल्स थे, सिराजुद्दौला के जो यहाँ पर ऑपोजिशन में लोग थे, उनको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। सिराजुद्दौला को ये देख के बड़ा गुस्सा आया, यार तुम मेरे मेरे जो राइवल्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हो, समझना बात को। ये तो ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्टेप था कि उसके राइवल्स को यहां पर सपोर्ट करो, तो एक तरह से चिंगारी लग रही थी, और अब प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है लड़ाई के लिए। सिराजुद्दौला इस बात से लेकर बड़ा गुस्सा है कि ये क्यों हुआ। सिराजुद्दौला जाता है, रेड कर देता है फोर्ट को। काफी कोशिशें होती है कि बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत नहीं होती है। फाइनली सिराजुद्दौला, यहां लड़ाई होती है, और लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। 1757 की बैटल के बाद मीर जाफर गद्दी में बैठता है। क्लियर, तो इस कहानी को पहले एक बार हम लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए कभी आप लोग उसको भूलो ना, आपके नोट्स में भी ये चीजें अच्छे से आ जाएं। ठीक है, चलिए, तो पहले चीज तो यहां पर ये देखते हैं कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। इनफैक्ट उससे पहले एक सवाल और बनेगा इन सब चीज को जानने से पहले, कि नवाब ने किया क्या क्या, वॉट नवाब डिड। तो बेसिकली ट्रेड लेट, ये तो आप लिख लीजिए, फिर लिखिए एक सब हेडिंग डालिए, वॉट नवाब डिड। अब नवाब ने किया क्या, मैंने कहा ना आपसे कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो नवाब थे बंगाल के, वो अपनी पावर को असर्ट कर रहे थे। क्या करने लगे वो लोग, प्लीज सी, जरा देखिएगा यहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग, प्लीज सी। फर्स्ट, पहला, या इनफैक्ट इसकी जगह आप चार लाइन बनाइए। यस प्लीज, क्या क्या किया उन्होंने, देखो। फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने, नवाबों ने कहा कि भैया हम कंपनी को कंसेशन नहीं देंगे। औरंगजेब दे दिया फरमान, ठीक है भाई, लेकिन नवाब बंगाल के नवाबों ने कहा हम कंपनी को कंसेशन नहीं देंगे, रिफ्यूज्ड टू गिव कंसेशन, रिफ्यूज्ड टू गिव कंसेशन, ठीक है ना, एंड प्रिविलेजेस टू कंपनी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, पॉइंट नंबर बी क्लियर, मना कर दिया। दूसरा पॉइंट, पहले ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि हमें ज्यादा डिमांड, मतलब दे, नवाब जो थे दे डिमांडेड, व्हाट डिमांडेड, क्या ज्यादा पैसा दो हमको, हाई ट्रिब्यूट्स, हमको ज्यादा पैसा चाहिए। अब देख रहे हो आप, बंगाल के नवाब कंपनी से कह रहे हैं कि हमको पैसा दो, पॉइंट नंबर सी, उन्होंने, नवाबों ने कंपनी को डिनाई कर दिया द राइट टू मिंट द क्वाइंस, डिनाइड क्या, राइट टू मिंट क्वाइंस, क्लियर। पॉइंट नंबर डी नोट करते जाइएगा कि क्या क्या नवाब्स ने किया। आप देखो कैसे ट्रेड बैटल्स की तरफ बढ़ रहा है, अब ये प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है कि भैया औरंगजेब तो मर गया, लेकिन जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने कंपनी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करी। वही मैंने आपको बताया ना कि अली वर्दी, मुर्शीद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ, पूरा अंडर कंट्रोल है। तो ये दिखा रहा है किस प्रकार से नवाबों ने क्या किया, कंपनी को कंसेशन देने का मना कर दिया।
कंपनी को बोला कि पैसा दो, कंपनी को डिनाई कर दिया कि आप कॉइन्स को मिंट नहीं करोगे। इसके अलावा जो फोर्टिफिकेशन लोग कर रहे थे ना, उस फोर्टिफिकेशन को रोक लगवा दी, कोई कोई किलेबंदी नहीं होगी, स्टॉप्ड फोर्टिफिकेशन। ये सब चीजें अब एक तरह से कंपनी को परेशान कर रही हैं। कंपनी कह रही है भाई हमको एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी सुने, कंपनी को चाहिए था पपिट, हम जो बोले सुने। और वही चीज अभी यहां पर नहीं हो रही थी, कंपनी थोड़ा सा क्या हो रही थी, कंपनी यहां थोड़ा सा अब एक तरह से कहेंगे कि इरिटेट टाइप की हो रही है। एंड पॉइंट नंबर ई, नवाब्स का ये कंप्लेन था कि जो अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारी अथॉरिटी को अंडरमाइन करती है, नहीं मानती है। नवाब्स कंप्लेंड, क्या कंप्लेन किया नवाब्स ने कि जो कंपनी है, कंपनी अंडरमाइंस द अथॉरिटी, किसकी, नवाब की। कंपनी जो है वो नवाब की अथॉरिटी को अंडरमाइन करती है, यानी कि नहीं मानती। तो ये देखो नवाब्स ने कैसे काम किए। तो अब जाहिर सी बात है अंग्रेजों के अंदर बड़ी चिंगारी लग रही है, आग लग रही है कि भैया हमको ये काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इसके बदले में व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कंपनी, अगर नवाब ये सब कर रहे थे बंगाल के, तो कंपनी ने किस प्रकार का जवाब दिया उनको। प्लीज राइट रिएक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा भाई साहब एक बार समझ लीजिए कि जो आपके ऑफिशियल्स है ना बंगाल के नवाब, वो अनजस्ट अमाउंट मांग रहे हैं, कोई जस्ट अमाउंट नहीं है। अरे हाई डिमांड मांग रहे हो, अरे कुछ कोई लिमिट होती है, अनजस्ट अमाउंट है, ये बोल दिया। दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि अनजस्ट डिमांड तो मांग ही रहे हो, उसके अलावा अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड तभी हो सकता है जब ड्यूटी फ्री हो, एक तो ये बोला। और तीसरा चीज उन्होंने बोला कि हमको अपने सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करना है, हमें इसके लिए और गांव खरीदने पड़ेंगे और हमें अपने सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। समझ में आ गया, प्लीज नोट कर लीजिए। थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट, पहला रिएक्शन क्या था, पहला रिएक्शन ये था अनजस्ट डिमांड। कंपनी का क्या कहना था, कंपनी का कहना यह था कि ये अनजस्ट डिमांड कर रहे हैं, अनजस्ट डिमांड ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है ना, किसके, नवाबों के, ठीक है। बी सेकेंड, ट्रेड तभी हो सकता है, ट्रेड फ्लरिश तभी हो सकता है अगर वो ड्यूटी फ्री हो, अगर वो ड्यूटी फ्री हो, ये बोला उन्होंने। पॉइंट नंबर सी, उन्होंने कहा कि हमारे जो सेटलमेंट्स हैं, सेटलमेंट्स उनका एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। और साथ में उन्होंने कहा कि हमको और भी ऐसे गांव खरीदने चाहिए, बाइंग ऑफ विलेजेस। अब विलेज क्यों ले रहे हो भाई, क्योंकि जमीन मिलेगी, जमीन मिलेगा तो आपको उसका रेवेन्यू मिलेगा, जमींदारी राइट्स कैलीकट के मिल गए थे, बात समझ में आ रही है। तो जितना जमीनों के राइट मिलेंगे उतनी आपकी आमदनी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। जैसे कैलकटा के कालीकट का उनको मिल गया, सूरत उसका मैंने आपको बताया गोविंदपुरी का मिल गया था, सूतपति का मिल गया था। तो जब जमींदारी राइट्स मिल गया तो उसका मतलब क्या, पैसा मिल गया। तो उन्होंने कहा कि भैया, रिएक्शन कंपनी का ये था, कंपनी ने कहा अरे ऐसी तैसी, हम तो भैया और एक्सपेंशन करेंगे और भी विलेज को हम खरीदेंगे। दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ द कंपनी। अब समझ रहे हो टसल कैसे चल रही है, नवाब मना कर रहे हैं, कोई कंसेशन नहीं देंगे, नवाब ने मिंट क्वाइन मिंट करने का राइट डिनाई कर दिया, नवाब चीजों को टफ बना रहे थे अंग्रेजों के लिए, कंपनी के लिए, और कंपनी भी एकदम कह रही थी नहीं हम तो करेंगे। और कंपनी ने इस तरह के आड़े तरह से जवाब दिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, नोट कर लिया जाए, ठीक है। अब यहां से कहानी को एक बार आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो जो मैं अभी आपको बता रहा था, क्या नोट करिएगा, फ्रॉम मुर्शीद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान, बंगाल जो है, बंगाल वो कंट्रोल में था अभी तक नवाब्स के, वो कंट्रोल में था नवाब के, बट सिचुएशन चेंज्ड, लिख लीजिए सब चीजें,
बट सिचुएशन चेंज्ड विद कमिंग अप ऑफ सिराजुद्दौला। अब मैं आपको खाली कहानी बताऊंगा, यहां लिखूंगा नहीं, कमिंग अप ऑफ सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला मैंने आपको बताया बहुत ही यंग था, बहुत ही एक तरह से एनर्जेटिक था, एनर्जेटिक है, यंग है तो ओवर एक्साइटेड हो जाता था, और ओवर एक्साइटेड अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्साइटेड शो करता है कि आप बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, देखो ब्रिटिश कंपनी गेव सपोर्ट टू राइवल्स ऑफ सिराजुद्दौला। कंपनी ने जो भी कुछ छोड़ा हुआ था, बचा था, जो लड़ाई रोक रहा था, वो भी यहां पर पूरा कर दिया, और कंपनी ने सिराजुद्दौला के राइवल्स को सपोर्ट कर दिया, सिराजुद्दौला के दुश्मनों को सपोर्ट कर दिया। दिस एंगर्ड सिराजुद्दौला। अब बीच में कहानी बहुत सारी है, सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट को रेड कर देता है, फोर्ट विलियम को जाकर, रॉजर ड्रेक वॉज द गवर्नर ऑफ दैट, फिर उसको कब्जे में ले लेता है फोर्ट को अपने, फिर उनके बीच में कन्वेंशन होती है, बातचीत होती है, लेकिन बातचीत फेल हो जाती है, और फिर जब बातचीत फेल हो जाती है, बातचीत कहीं नहीं बनती है, देन द आउटकम। अब वो डिटेलिंग आपकी किताब में अभी नहीं है, देखो आउटकम इज बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में 1757 बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला हार जाता है और कंपनी यहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर जीत जाती है। नोट कर लीजिए। अब सिराजुद्दौला यहां पर देखिए, बता ना, सिराजुद्दौला क्या करता है, अटैक्ड, ये आपके एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए, अटैक्ड कासम बाजार फैक्ट्री। कई सारे ऑफकोर्स रिपरकशंस होंगे, उसमें से एक था कि उसने कासम बाजार फैक्ट्री पर यहां पर हमला अटैक किया। ठीक है, तो मतलब उसने अंग्रेजों को गुस्से में जवाब दिया और फैक्ट्री को यहां पर अटैक किया, कंपनी के ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, उनके वेयरहाउस को लॉक कर दिया, उनके शिप्स को यहां पर सिंक कर दिया ताकि ये सब आगे ट्रेड कर ही ना पाए, बात समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद उसने जाके कंपनी के फोर्ट को यहां पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद सिचुएशन बहुत खराब हो गई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को डिप्लॉय किया। रॉबर्ट क्लाइव ने कोशिश किया कि नेगोशिएशंस हो जाएं, लेकिन नेगोशिएशन नहीं हुई, और नेगोशिएशन नहीं हुई तो आउटकम ये आया कि दिस लेड टू द फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी 1757। सिराजुद्दौला एक तरफ था और इंग्लिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लड़ाई खत्म होती है तो उसके बाद गद्दी पर बैठता है मीर जाफर। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, मीर जाफर अब यहां गद्दी पर बैठ गया। क्लियर है, नवाब बंगाल का नवाब बन जाता है, ये बंगाल ऑफ, अरे नवाब ऑफ बंगाल, समझ में आ रही है कहानी ना, नवाब ऑफ बंगाल, भाई सीधी बात है, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान सब नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक बंगाल कंट्रोल में था, सिराजुद्दौला आया तो अब कंट्रोल थोड़ा बाहर जाने लगा, क्यों, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सिराजुद्दौला के राइवल्स को सपोर्ट कर रहे थे, वहां लड़ाई हो गई बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद मीर जाफर गद्दी बैठता है, मीर जाफर अब बंगाल वो बन गया, बंगाल का वो नवाब बन गया। ठीक है, एंड ही इज द नवाब फ्रॉम 1757 टू 1760। लेकिन बात यह थी कि कंपनी को एक पपेट चाहिए था और मीर जाफर पपेट बनने को तैयार नहीं था, इनिशियली तो वो सुनता है उनकी, लेकिन बाद में देखोगे कि मीर जाफर काफी ज्यादा अपनी मनमानी करने लग गया था और ये कंपनी को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है ना, इसलिए उसको यहां पर हटा देते हैं और उसको मीर कासिम को यहां पर ले आते हैं। मीर जाफर इनिशियली लिसेंड टू कंपनी बट लेटर ऑन रिजेक्टेड द कंपनीज ऑर्डर, कंपनी के ऑर्डर को बाद में रिजेक्ट करने लगा। आउटकम क्या आया, प्लीज राइट,
आउटकम मीर जाफर रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। हम मीर कासिम इसका साथ, मतलब इसका सिनारियो वही था जो एक बार कभी आपको भिंडरेवाला का देखने को मिला, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया भिंडरेवाला और बैकफायर किया कांग्रेस को। मीर कासिम बैठाया गया कंपनी के द्वारा और फिर कंपनी को बैकफायर कर गया। कैसे? मीर कासिम को यहां पर गद्दी बैठा दिया गया, ठीक बात है सर। अब जब मीर कासिम गद्दी बैठ गया तो मीर कासिम पहले तो कंपनी की सुना, लेकिन फिर मीर कासिम डिड नॉट वॉन्टेड टू बी अ पपेट। पपेट वो रहना नहीं चाहता था और इसने यहां पर दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, ठीक है। टुक टू स्टेप्स। क्या स्टेप्स लिए? पहला स्टेप, शिफ्टेड द कैपिटल। इसने कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया, कहां से? फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगीर। नहीं दिया आपके एनसीईआरटी, मैं बता रहा हूं आपको, पहला स्टेप। और दूसरा, उसने एक एस्टैब्लिश्ड आर्सेनल फैक्ट्री, या हम कह सकते हैं कैनन फैक्ट्री, मतलब गोले बारूद, बंदूक, इन सब की फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। दिस अलार्म दी ब्रिटिश। ब्रिटिश को लगा ये क्या कर रहा है, अरे तुमको हमने बैठाया है ताकि तुम हमारा काम करो, फिर तुम अपने आप क्या कर रहे हो? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब मीर कासिम को यहाँ हटाने लगे, तो मीर कासिम को डेफिनेटली बात है हटा देगा, लेकिन मीर कासिम का रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ कि नहीं। लेकिन मीर कासिम का स्टेटस ये भी नहीं था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लेता, ऐसा भी नहीं था। तो मीर कासिम वहां से भाग जाता है बंगाल से, मीर कासिम रन्स अवे फ्रॉम बंगाल। नोट करिएगा, मीर कासिम रन्स अवे फ्रॉम बंगाल। नोट करते रहिए, बंगाल से वो भाग जाता है और जाके टेक्स शेल्टर। कहाँ शेल्टर लेता है? शुजाउद्दौला के पास। लो भाई, शुजाउद्दौला के पास पहुंच गए शेल्टर लेने के लिए। शुजाउद्दौला ऑलरेडी गिवन शेल्टर टू शाह आलम टू। देखना जरा क्या सीन था, ऑलरेडी गिवन शेल्टर किसको? टू शाह आलम टू। भैया इन्होंने ऑलरेडी शेल्टर दे रखा है शाह आलम टू को, और शाह आलम टू मैंने बताया था ब्लाइंड, कैसे गुलाम कादर ने उसको अफगानी चाकू मार के अंधा कर दिया था, याद करिए। शुजाउद्दौला के पास मीर कासिम पहुंचा, शुजाउद्दौला ठीक है, ऑलरेडी उसने दे रखा है किसको सपोर्ट, दे रखा है शेल्टर, दे रखा है शाह आलम टू को जो एक अंधा है, और अब गिविंग शेल्टर टू कासिम। अब कासिम एक भगौड़ा हो गया है। अब इनकी टीम देखिए, ट्रिपल अलायंस। अब इन्होंने ये ट्रिपल अलायंस बनाया, ट्रिपल अलायंस। कौन कौन है ट्रिपल अलायंस में? कौन कौन है? शुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम प्लस शाह आलम टू। वाह क्या टीम बनाई है, एक अंधा है, एक भगोड़ा है और एक क्या ही कर लेगा। इन दिनों ने यहां पर बनाई और यहां पर इनकी लड़ाई हुई वर्सेस इंग्लिश, एंड दिस कंबाइंड फोर्सेस ने मिलकर इंग्लिश पर अटैक किया, एंड दिस वॉज बैटल ऑफ बक्सर 1764। नोट कर लीजिए, कहानी समझ में आ गई। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? ठीक है भाई। और इसका आउटकम ये था, प्लीज राइट आउटकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम। रॉबर्ट क्लाइव बिकम्स द गवर्नर ऑफ बंगाल।
गवर्नर ऑफ बंगाल यहां पर रॉबर्ट क्लाइव बन गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 1765 में गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव इन 1765, क्लियर हो गया। लेकिन अब मतलब यहां देखो क्या हो रहा है, कंपनी इज नॉट इन अ मूड कि वो डायरेक्टली यहां पर गवर्न करे, कंपनी इस मूड में नहीं थी अभी भी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहां पर तरीका निकाला, पहले तो वो विलिंग नहीं थे कि वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बने करें, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद आप देखोगे कि कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो खुद नवाब बनना चाह रहे थे। अब देखो कितनी चीजें बदल गई, इनिशियली देखो क्या हो रहा था, इनिशियली कंपनी चाहती थी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन करें लेकिन आदमी हमारा हो, जैसे कि उन्होंने सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर को गद्दी पर लगा दिया। कंपनी वॉज नॉट इन अ मूड कि भैया हम खुद राज करें, नहीं, कंपनी इस मूड में नहीं थी, है कि नहीं। मीर कासिम को गद्दी बैठाया, कंपनी चाहती थी कि यही लोग रूल करें, हम बिहाइंड द कर्टन्स काम करेंगे, जो कुछ भी होगा इन राजाओं के नाम पे होगा काम, पर हम करेंगे पीछे से। तो अर्लियर कंपनी वॉज नॉट इन अ मूड कि वो खुद रूल करे, लेकिन लेटर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी का यहां मूड चेंज हो गया, एंड नाउ द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वॉन्टेड टू बिकम नवाब। क्लियर, बात समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। कंपनीज मूड चेंज, कंपनीज मूड चेंज, इनका मूड चेंज हो जाता है कैसे, अर्लियर अर्लियर नॉट विलिंग टू एडमिनिस्टर डायरेक्टली, पहला नहीं चाहते तो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करें, नाउ आफ्टर बक्सर, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या फर्क आ रहा है, दे वॉन्टेड दे themselves बिकम बिकेम वॉन्टेड टू बिकम नवाब, दे themselves वॉन्टेड टू बिकम नवाब, दे themselves वॉन्टेड टू बिकम नवाब। क्लियर हो गई बात यहां तक, कहानी इज क्लियर, कंपनी का मूड यहां पर चेंज हो गया, ठीक है। अब जब ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ये नोट कर लीजिए कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या साइन हुई, ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। और इस ट्रीटी के तहत, इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, इस ट्रीटी के तहत दीवानी यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन करना, दीवानी राइट्स और निजामत, ये दोनों राइट्स जो हैं, ये दोनों राइट्स मिल जाते हैं कंपनी को, और कंपनी जो है वो अपॉइंटेड अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल। अब बंगाल का दीवान कौन है, पैसा किसके पास आएगा, कंपनी के पास, अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल, कंपनी जो है वो अपॉइंट हो जाती है। बात समझ में आ गया या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कंपनी जो है, कंपनी अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल। तो एक बात थी कि अभी तक जो दिक्कतें आ रही थी कंपनी को कि भैया उनको अगर इंडिया के साथ कुछ ट्रेड करना है तो उनको बदले में सोना चांदी लेके आना पड़ता था, सोना चांदी भारत को देते थे और भारत से वो सामान ले जाते थे, है ना, दैट इज वाई आप देखोगे इंडिया जो है लगातार एक सिंक हो गया था गोल्ड और सिल्वर का, बढ़ता जा रहा था सोना, मतलब इंडिया बहुत रिच हो रहा था। तो कंपनी ने अब क्या किया, बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया, बंगाल ध्यान रखिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बंगाल में प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, तो अब अगर बंगाल पे कंट्रोल पर मिल गया, बंगाल का दीवान बन गया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, समझना, दीवान बन गया, तो ऑब्वियसली बात है क्या हुआ, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, है कि नहीं, मोगैम्बो खुश हो गया। और जब खजाना मिल गया तो अब जो प्रॉब्लम थी अभी तक अंग्रेजों की कि उनको गोल्ड और सिल्वर लेके आना पड़ता था ट्रेड करने के लिए, अब उसकी जरूरत यहां पर नहीं थी। पॉइंट इज क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये जो खजाना इनको मिला, इससे ये लोग काम क्या करते थे, क्या क्या काम कर लेते थे, यहीं पर लिख लीजिए, खजाना जो मिला इसमें क्या करते थे ये लोग, यस प्लीज, फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, आर्मी को इसी पैसे से मेंटेन कर रहे हैं, ओ भाई
अब देख लो, खर्चा भी इंडिया का, इंडिया के ही पैसों से, इंडिया के ही रिसोर्सेस से। दूसरा दूसरा कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स को परचेस करते थे इस खजाने से, इस पैसे से। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स परचेस्ड होता था इस खजाने से। और तीसरा आपका एनसीईआरटी कहता है कंपनी के फोर्ट और ऑफिसेस को मेंटेन करने का खर्चा भी यहीं से निकलता था। थर्ड, कंपनीज फोर्ट एंड ऑफिसेस, इसको मेंटेन करने का खर्चा भी अब बंगाल के रेवेन्यू से दिया जाने लगा। बात समझ में आ गई, कंपनी का मूड बदल गया। पहले कंपनी खुद विलिंग नहीं थी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसने मीर जाफर, मीर कासिम इन सबको अपॉइंट किया। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद आप देखोगे कि कंपनी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया, उसके साथ उसको निजामत और दीवानी दोनों के राइट्स मिल गए। और इसी तरह से क्या हुआ, कंपनी को अब बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया गया, सारे राइट्स उनके पास, सारा पैसा वैसा आएगा, अब खजाना उनके पास है। इस पैसे से उन्होंने, भारत का पैसा है और भारत के ही खर्चे करना शुरू कर दिए, भारत का पैसा। और क्या किया उन्होंने, उससे आर्मी को मेंटेन किया, उन्होंने उससे कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल परचेस किया, उन्होंने उससे अपने फोर्ट और अपने ऑफिसेस को मेंटेन किया। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, अब आगे लिखिए, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। ये भी हेडिंग आपके में है, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। अब ये वर्ड यहां पर यूज किया गया है, नवाब्स, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम्स नवाब्स, क्लियर है? अब जरा यहां पर एक बात देखिए, जरा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा, कंपनी का ऑफिशियल को नवाब्स क्या वर्ड आया। ये जो नवाब है ना, ये एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड है, नवाब, ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्ड है ये फॉर नवाब। मतलब जो यहां पर अंग्रेज के जो लोग थे कंपनी ऑफिशियल्स, तो जो भी यहां पर कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, और वो अपने देश वापस लौट रहे थे, रिटर्न हो रहे थे विद लॉट ऑफ वेल्थ, तो वहां पर ऐसे लोगों को नवाब्स कहा जा रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट वो नवाबों की तरह यहां पर रहने लगे थे, तो इनको यहां पर नवाब्स कहा गया। समझ में आ गया, कंपनी के ऑफिशियल्स अब यहां पर नवाब बन गए। जो कंपनी के ऑफिशियल वो अपना बहुत हाई वेल्थ रिटर्न करके ले गए, तो उनको नवाब कहा गया। मैं बताऊं आपको, रॉबर्ट क्लाइव की बात बताऊं, रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया में आया था, रॉबर्ट क्लाइव तो कुछ नहीं था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जब भारत छोड़ रहा था, भारत से जा रहा था, तो उसका वर्थ पता क्या था, उसकी वर्थ प्लीज नोट करिएगा, 401 ये यूरोस, 4 लाख कितना है देख लो भाई, कितना यूरोस यहां पर, वो उसकी वर्थ हुई, उसकी वेल्थ थी। इसको अपॉइंट किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड इंडिया में, इसको अपॉइंट किया था, अपॉइंटेड टू चेक करप्शन, इसको करप्शन चेक करने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन बाद में इसी पे करप्शन के आरोप लग गए थे, हालांकि वो हो गया, छूट गया, लेकिन इस पे ही करप्शन के आरोप लग गए थे। क्लियर है? नहीं, छूट नहीं गया, इनफैक्ट इसको चार्ज कर दिया गया ऑन ग्राउंड ऑफ करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनको खुद लगाया गया कि आप इंडिया में करप्शन चेक करिए, हिमसेल्फ चार्ज विद करप्शन, लेटर हिमसेल्फ चार्ज्ड विद करप्शन, खुद इस पे करप्शन के चार्ज लगे और इसको पनिशमेंट मिली। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, नोट करिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट आइए, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, आई होप ये कहानी आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। मैं इस कहानी सुनाऊंगा दोस्त यहां पर, ओनली स्टोरीज, कंपनी रूल एक्सपैंड्स, कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब जरा यहां पर मेरी बातों को सुनिएगा बस, कंपनी रूल एक्सपैंड जितना भी दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, पहले मैं एक स्लाइड में आपको एक जगह लाके दे दूंगा सारा कुछ, जितना भी
कंपनी ने अपना रूल को एक्सपैंड करना शुरू किया। आप देखो ये बात समझ में आ गई कि बंगाल पे उनको कब्जा मिल गया, बंगाल के दीवान बन गए वो, बंगाल का पैसा वैसा खजाना सब उनका हो गया, बढ़िया एकदम नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेज। अब लेकिन कंपनी क्या करेगी, अपना बंगाल से एक्सपेंशन करना शुरू करेगी। कंपनी कहेगी हम तो और एक्सपैंड करेंगे। कंपनी ने कैसे कैसे अपने आप को एक्सपेंशन किया, नंबर वन, फर्स्ट डुअल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डुअल गवर्नमेंट, नोट करिएगा डुअल, समझाता हूं। दूसरा, सेकेंड सब्सिडरी अलायंस, और तीसरा, थर्ड, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। आप जरा पहले इन सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए। एनसीईआरटी में यह आपके पांच पन्ने में दिया गया है। मैंने पहले आपको एक ही जगह पिक्चर दिखा दी कि कंपनी ने अपना रूल को एक्सपांड करने के लिए क्या तरीके अपनाए। पहला, डुअल गवर्नमेंट। क्या था ये डुअल गवर्नमेंट, जरा इसको समझिए, सिंपल सी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो क्या है डुअल गवर्नमेंट, भाई जो मीर जाफर को बैठाल रहे हैं और खुद पीछे बिहाइंड द कर्टेंस काम कर रहे हैं, ये क्या है, दो सरकार तो चल रही है, एक वो जो बैठाया पब्लिक जिसको देख रही है कि हमारा राजा ये है, लेकिन बिहाइंड द कर्टेंस एक्चुअली सरकार कोई और चला रहा है। दिस वॉज नथिंग बट डुअल गवर्नमेंट, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उसको यहाँ पर लाया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा था, अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंट गवर्नर्स, 1765 to 1772। इसमें क्या हो रहा था, अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंट गवर्नर्स, ये किताबी लैंग्वेज है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंट गवर्नर्स। अब रेसिडेंट मतलब वहीं के लोगों को लगा दिया गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना कि अपने लोगों को यहां पर गद्दी बैठालना और फिर बिहाइंड द कर्टेंस काम करना, ठीक है ना, इसको यहां पर नोट कर लीजिए। कंपनी प्लेस निजामुद्दौला ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, लिखिएगा प्लीज, नोट कर लीजिए इसके आगे, यहां पर नोट करिए, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा प्लीज। नाइट, ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद गॉट द राइट्स ऑफ दीवानी एंड निजामत, राइट्स मिल गए थे इसको, बट इट प्लेस्ड निजामुद्दौला ऑन द थ्रोन एंड वर्कड इटसेल्फ बिहाइंड द कर्टेंस। दिस टाइप ऑफ सेटअप इज कॉल्ड एज डुअल गवर्नमेंट, नोट कर लिया जाए, इस प्रकार के सेटअप को डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडरी लाइंस। अब सब्सिडरी लाइंस का क्या मतलब था, सिंपल कि इंडियन रूलर्स अपनी आर्मी नहीं रख सकते, समझना जरा, सब्सिडरी लाइन समझ लो, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन अभी जो आपके एनसीईआरटी में बता देता हूं, कुछ और कहानी बताऊंगा। इंडियन रूलर्स अपनी आर्मी यहां पर नहीं रख सकते, सेल्फ आर्मी नहीं रख सकते, क्या करना पड़ेगा, हैड टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी को उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेंटेन नहीं किया, इंडियन रूलर्स को जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो कंपनी की आर्मी से मिलेगा, ऐसे लिखिए, इनफैक्ट ज्यादा सही है, ऐसे लिख लीजिए, इंडियन रूलर्स नॉट अलाउड टू कीप देयर आर्म फोर्सेस, जो इंडियन रूलर्स थे वो आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते थे अपनी, ठीक है, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते थे, क्या कर सकते थे, इनफैक्ट उनको कौन प्रोटेक्शन देगा, कंपनी फोर्सेस विल बी प्रोटेक्टेड बाय कौन करेगा प्रोटेक्ट, कंपनीज फोर्सेस उनको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये था, हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट
एज या फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, इसका मतलब उनको फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, और अगर नहीं पे किया, इफ नॉट पेड, तो क्या होगा, पेनल्टी लग जाएगी। और ये पेनल्टी लगी भी थी, और इसी ग्राउंड्स पे कि सब्सिडी लाइंस का पालन नहीं किया गया है, अवध इसको ले लिया गया था। अवध 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 के अलावा आप देखोगे हैदराबाद, इन दोनों को यहां पर ले लिया गया था कि सब्सिडी लाइंस का यहां पर उल्लंघन किया गया था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कंपनी ने अपना रूल कैसे एक्सपैंड किया। नंबर थ्री, डायरेक्ट मिलिट्री कंफ्रंटेशन। डायरेक्ट मिलिट्री कंफ्रंटेशन क्या था, नोट करिएगा प्लीज, राइट पर लिख लीजिए, इसके आगे लिखिएगा, लिखिए, कंपनी ने प्लीज राइट, या ऐसे लिखिए, ड्यूअल गवर्नमेंट और सब्सिडियरी लाइंस, ऐसे लिख लीजिए, वो कार्ड कंपनी ने काट दीजिए, ऐसे लिखिए कि ड्यूअल गवर्नमेंट और सब्सिडियरी लाइंस दो तरीके थे, ड्यूअल गवर्नमेंट और सब्सिडियरी अलाइंस दो तरीके थे जिससे इंग्लिश एक्सपैंड कर रहे थे, जिससे इंग्लिश एक्सपैंड कर रहे थे। पूर्ण नाम आगे लिखिए, लेकिन अगर कंपनी को किसी चीज, लेकिन अगर कंपनी को किसी चीज से लगता था, लेकिन अगर कंपनी को किसी चीज से लगता था कि उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, तो ऐसे केस में कंपनी तीसरा तरीका अपनाती थी। ऐसे केस में कंपनी तीसरा तरीका अपनाती थी, एक हाइफन दीजिए और लिखिए, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, यानी कि सीधे लड़ाई। एक्सपेंशन का तरीका, ड्यूअल गवर्नमेंट, अपना आदमी बैठा दो, अपना नुमाइंदा बैठा दिया, हमारा आदमी है, हमारी बात सुन रहा है, लोगों को लग रहा है एक राजा बना हुआ है, लोगों के लिए राजा वो है, एक सरकार वो चला रहा है, और एक पीछे हम बैठे बिहाइंड द कर्टन्स। पहला तरीका एक्सपेंशन का। दूसरा सब्सिडियरी लाइंस, कि आर्मी आप अपनी रखोगे, ब्रिटिश आर्मी आपको मेंटेन करने, आपको सपोर्ट करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, और इसके लिए आपको उनको फिक्स अमाउंट देना है, अगर आप नहीं दोगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और ऐसा हुआ भी था अवध और हैदराबाद के साथ। दूसरा तरीका था एक्सपेंशन का। तीसरा, अगर कंपनी को लगता था इसके बाद और भी कोई चीज़ है जिससे उनको खतरा हो सकता है, तो उसके साथ कंपनी सीधे सीधे लड़ाई लड़ लेती थी, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखिए मैसूर, और दूसरा लिखिए मराठा, मैसूर एंड मराठा, क्लियर। अब हमको यहीं से पढ़ना है मैसूर और मराठा से, मैंने बाकी सारी चीजें आपको इसी स्लाइड के अंदर बता दिया, क्लियर है भाई लोग, ठीक है। चलिए नाउ प्लीज गिव द हेडिंग मैसूर, मैसूर लिख लीजिए। अब देखो यार, मैसूर जो है ये पहले वोडियार डायनेस्टी के अंदर था, वोडियार डायनेस्टी के अंदर था, ठीक है, वोडियार डायनेस्टी। और मैसूर जो है आप देखोगे कि 17th या फिर आप बोलोगे कि स्टार्ट, मतलब इसका राजा जो है उस वक्त जब ये अंग्रेज यहाँ पर आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वैसे चिक्का कृष्ण राजा था, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे कि 18th century ऑनवर्ड्स आप देखोगे, 18th century ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि मैसूर किंगडम का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। मैसूर किंगडम क्या करने लगा, डिक्लाइन करने लगा, ठीक है। ऐसे में आप देखोगे कि मैसूर की जो एक आर्मी थी, मैसूर की जो आर्मी थी, मैसूर की आर्मी में एक सोल्जर था एंड ही वॉज हैदर अली, ठीक है। हैदर अली की बहुत गजब की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, बहुत गजब की इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, और इसी वजह से आप देखोगे तो उसको क्विक प्रमोशन ही मिलते चले गए, क्विक प्रमोशन मिलते चले गए। लेकिन 1760 के अराउंड उसने ओवरथ्रो कर दिया वोडियार्स को। उसने क्या किया, ओवरथ्रू वोडियार्स, वोडियार्स को उसने यहां पर ओवरथ्रो कर दिया और अपने आप को राजा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ रूलर, और खुद को यहां पर उसने मैसूर का रूलर डिक्लेयर कर दिया। बात समझ में आ गई, हैदर अली किस तरह से मैसूरी गद्दी बैठा, ठीक है।
क्लियर है। और ये रूल करता है 1761 से लेकर 1782 तक। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैसूर पे हैदर अली का कब्जा होता है। मैसूर ये रीजन पहले वाडियार डायनेस्टी के अंदर था, राजा था चिक्का कृष्ण राजा, ठीक है। लेकिन 18 सेंचुरी में आप देखोगे मैसूर का किंगडम डिक्लाइन होने लगता है। मैसूर की आर्मी जो थी उसमें एक सोल्जर था जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली की बहुत अच्छी गजब की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी जिसकी वजह से उसको क्विक प्रमोशन मिलते गए, और जब ऊपर आता गया तो वो क्या बन गया, ही वॉज मेड दी फौजदार, फौजदार बना दिया गया। ही बिकेम दी डी फैक्टो रूलर। और मौका देखते ही फिर उसने वाडियार को 1760-1761 में ओवरथ्रो कर दिया और उसने खुद को मैसूर का राजा यहां पर डिक्लेयर कर दिया। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। मैसूर के बाद हैदर अली के बाद आप देखोगे कि हैदर अली के बाद आएगा टीपू सुल्तान। आफ्टर हैदर अली, आफ्टर हैदर अली कौन आएगा, टीपू सुल्तान आएगा, उसका लड़का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आई होप यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अब बेसिकली अब बात पहले ये आती है कि वाई हैदर अली वॉज डेंजरस फॉर द ब्रिटिश। आगे कुछ भी पढ़ने से पहले आपकी वैसे इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि चार एंग्लो मैसूर वॉर्स थी, चार सीधे बताया गया, और कुछ नहीं बताया गया। वॉर्स का ईयर दिया गया है और कौन सी ट्रीटी साइन हुई, बस ये दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप ही समझिए कि भाई हैदर अली क्यों खतरनाक था अंग्रेजों के लिए। लिखिएगा, वाई हैदर अली वॉज डेंजरस, वाई हैदर अली वॉज डेंजरस फॉर ब्रिटिश। देखिए जरा, चलिए देखिए यहां पर क्यों डेंजरस था ये समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंपल, पहला पॉइंट, जो मैसूर था, हैदर अली था, वो मैसूर का राजा रूलर था और मैसूर से ट्रेड होता था, ठीक है। और यहां पर मालाबार कोस्ट था, तो मैसूर में हैदर अली का जो कंट्रोल था वो मालाबार कोस्ट पे था, और मालाबार कोस्ट से यहीं से आप देखोगे तो ट्रेड होता था किसका, सिनेमन का, पेपर, इन सब का क्या होता था, ट्रेड होता था। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ठीक है। हैदर अली मैसूर का रूलर हो गया और मैसूर में जो आप देखोगे मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट से ट्रेड हो रहा था। टीपू ने इस ट्रेड को बंद करा दिया। टीपू स्टॉप्ड द ट्रेड। अब सोचो जरा, ट्रेड चल रहा था तो भाई साहब बढ़िया था, एकदम मालाबार से ट्रेड चल रहा था, हैदर अली के ऊपर कब्जा था पूरा हैदर अली का, तो भैया वो अपना ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद जो यहां पर ट्रेड हो भी रहा था अंग्रेजों के लिए, उसको टीपू सुल्तान ने बंद करा दिया। ये प्रॉब्लम हो गई, बंद करा दिया, पॉइंट नंबर सी देखिएगा। और साथ में लोकल मर्चेंट्स को मना किया कि आप इनके साथ ट्रेड मत करिए, डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स टू ट्रेड विद कंपनी, टू ट्रेड विद कंपनी, मना किया कि आप मत करिए। एंड पॉइंट नंबर फोर क्या, काफी ज्यादा हैदर अली के क्लोज्ड रिलेशंस हो गए थे, डेवलप्ड क्लोज रिलेशंस किसके साथ, विद फ्रेंच, फ्रांस के साथ बड़े क्लोज रिलेशंस बन रहे थे। प्लस उसने मॉडर्नाइज भी कराया अपने आर्मी को, मॉडर्नाइज्ड आर्मी, ठीक है ना, उसने मॉडर्नाइज कराया अपनी आर्मी को फ्रेंच की हेल्प से, विद फ्रेंच हेल्प। अब जरा समझो ना, फ्रेंच तो भैया राइवल था ना अंग्रेज का, फ्रेंच वाले तो राइवल्स थे ना अंग्रेजों के, भाई एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पढ़ी हमने। तो बात ये आई कि हैदर अली अगर मैसूर के किंगडम पे बैठ भी गया तो क्या दिक्कत थी अंग्रेजों को, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो अंग्रेजों को दिक्कत दे रहा था हैदर अली जैसे लोगों से,
क्यों? क्योंकि मालाबार पे कब्जा, मालाबार कोस्ट पे कब्जा मैसूर का था, और मैसूर का राजा हैदर अली था, वहां से ट्रेड हो रहा था बढ़िया। ठीक है, एनसीईआरटी में तो चीज नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर, कार्डमन, सैंडलवुड, ये सब चीजें यहां से होती थी। ठीक है, लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान ने इसको यहां पर रुकवा दिया 1785 में। और ऊपर से कहा अपने लोकल मर्चेंट से, ये कहा कि आप ट्रेड मत करिए इन कंपनी के साथ। डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स टू ट्रेड विद द कंपनी, मना कर दिया। और साथ में ये भी एक देखने को मिल रहा था कि हैदर अली के जो टर्म्स हैं या मैसूर के जो टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं किसके, फ्रांस के साथ। और फ्रांस के साथ संबंध ब्रिटिश को कभी भी रास नहीं आएंगे। जो इश्क, जो मोहब्बत, जो प्यार मैसूर का और फ्रांस का बढ़ रहा था वो अंग्रेजों को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। और इसीलिए यहाँ पर हैदर अली जो है वो अंग्रेजों के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर पहले हम लोग सारी वॉर्स को लिख लेते हैं, एज इट इज़ जैसे बता रहा हूँ वैसे लिख लेना, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिएगा पहली वॉर, ऐसे लिख लीजिए एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स। अब एंग्लो मैसूर वॉर्स क्या है? ये वॉर है जो ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में हुई, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट, पहली एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1767 से लेकर 1769 तक, नोट करिए। वॉर एंड होती है विद ट्रीटी ऑफ मद्रास, कुछ चीजें ज्यादा बताऊंगा। ट्रीटी ऑफ मद्रास लिख लो, पहले अभी लिख लो क्या प्रोविजंस थे उसके। पहला प्रोविजन म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी। एंड नंबर टू म्यूचुअल, लिख लो अभी, मैं मतलब बताऊंगा इसका आपको भी, म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस। सेकेंड लिखिए, सेकेंड 1780 से लेकर 84 ट्रीट, वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड 1790 से लेकर 92 वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, लिख लीजिए। अभी कहानी बताऊंगा पूरी आपको, अब सोचो कहानी नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि क्लास 8 के एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया गया है। ठीक है, एंड देन लिखिए फोर्थ 1799 बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम थी, या 1799 लिखिए, सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन मैसूर, सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन मैसूर। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। कहानी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, जरा देखिए यहाँ पर। देखिए, दिस इज मराठा, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है मराठा। दिस इज निजाम यानी कि हैदराबाद, दिस इज मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान, दिस इज मद्रास यानी कि ब्रिटिश, दिस इज ट्रावनकोर, भाई बता रहा हूं कहीं मिलेगा नहीं, ट्रावनकोर लिख लीजिए, एंड दिस इज कर्नाटक। अब जरा यहां पर चारों
एंग्लो मैसूर वॉर्स को एक ही डायग्राम में खत्म कर देंगे। सुनना जरा कहानी को बड़ी ध्यान से। अब मैंने क्या लिखाया हुआ है, पहली एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1769 से 1767 से लेकर 1769 तक। हुआ क्या था, हुआ ये कि भाई हैदर अली मैसूर में था हैदर अली, तो हैदर अली ने देखा कि जो इंग्लिश है, मतलब यहां पर क्या इंग्लिश, उसने देखा कि जो इंग्लिश है वो एक अलायंस बना रहा है किसके साथ, फर्स्ट में यहां पर देखो, खाली में आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग यू राइट, मैं खाली बता रहा हूं क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी में है नहीं स्टोरी, मैं बस बता रहा हूं। पहली एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई, यहां पर मैसूर ने हैदर अली ने देखा कि एक अलायंस बन रहा है इंग्लिश का, मराठा का, निजाम का और कर्नाटक का, यानी कि ये चारों लोग मिलकर हमला कर रहे हैं मैसूर के ऊपर, समझ में आया, ठीक है ना। हैदर अली ने देखा कि एक अलायंस बन रहा है मराठा का, निजाम का, मद्रास इंग्लिश तो है ही और कर्नाटक का, और ये मिलकर हमला करने वाले हैं मैसूर पे। तो हैदर अली ने क्या किया, उसने मराठाओं को ब्राइब कर दिया, घूस दे दी और निजाम को अलग करवा दिया, यानी कि जो एक अलायंस बन गया था चार लोगों का, मराठा, निजाम, मद्रास और इंग्लिश और कर्नाटक का, तो उसमें मैसूर ने क्या किया, हैदर अली ने क्या किया, मराठाओं को ब्राइब कर दिया, निजाम को अलग कर दिया। और जब अटैक हुआ तो अटैक ऑब्वियसली उतना भयानक नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों अलग हो चुके थे, समझ में आया। दिस वॉज दी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, ये एंग्लो मैसूर वॉर थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। जब पहली एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। इस ट्रीटी में यह कहा गया कि भैया जो भी हिस्सा हमने आपका जीत लिया या जो भी हिस्सा हमारा आपके पास चला गया या आपका हमारे पास आ गया, हम लोग एक दूसरे को वापस कर देंगे। ये पहला पॉइंट, म्यूचुअल रेस्टोरेशन ऑफ ईच अदर टेरिटरी। और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रीटी ऑफ मद्रास का कि म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस, मतलब अगर मैसूर पे कभी कोई हमला करेगा तो अंग्रेज मदद करेंगे और अगर कभी किसी अंग्रेज पे कभी हमला हुआ तो मैसूर मदद करेगा। यही सेकेंड जो पॉइंट था वो रीजन बन जाता है साथ में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। क्या हुआ, हुआ ये कि मराठा ने मैसूर पर अटैक कर दिया। अब ट्रीटी के हिसाब से म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस अंग्रेजों को मैसूर को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों ने मैसूर को सपोर्ट नहीं किया। और यहां पर हैदर अली ने फिर आरोप लगाया इंग्लिश के ऊपर कि आपने ट्रीटी ऑफ मद्रास के प्रोविजंस को वायलेट किया है। साथ में हुआ क्या कि एक पोर्ट है मैसूर में जिसका नाम है क्या, ये पोर्ट है जिसका नाम है माहे, ये पोर्ट का नाम है, इस पोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश करी अंग्रेजों ने। अब दिस वॉज इनफ, अब तो बहुत हो गया कि भैया पहले तो आपने ट्रीटी ऑफ मद्रास के प्रोविजंस को वायलेट किया, म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस आपने मदद नहीं करी हमारी, जब मराठा ने हम पे हमला किया, एक तो आपने मदद नहीं करी और ऊपर से आपने हमारा ही पोर्ट को यहां पर कब्जा करने लगे, तो फिर यहां पर फिर क्या होता है, अब मैसूर मराठा और निजाम को अपने साथ मिला लेता है। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो होती है 1781, नोट करिएगा। अभी सेकेंड एंग्लो मराठा यहां पर कौन सी हो रही है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो कहां पर है, तमिलनाडु में 1781, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। इस बैटल में आप देखोगे ये लड़ाई यहां पर स्टार्ट होती है, निजाम और मराठा अब इस बार मैसूर की तरफ है, लेकिन जब ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो अंग्रेज पूछते हैं कितना दिया तुमको, हैदर अली ने बोला 5 करोड़, ठीक है हम तुमको 10 करोड़ देंगे, तो निजाम और मराठा साइड बदल लेते हैं। अरे भाई साहब, मराठा और निजाम ने साइड बदल ली, और साइड बदली तो ये लड़ाई फिर आगे चलती है, मतलब लड़ाई अब ये मिल गए और आप अभी अटैक कर रहे हैं मैसूर पे, ये लड़ाई चल रही थी। हालांकि आप देखोगे कि 1781 में फिर ये लड़ाई, मतलब बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में यहां पर हैदर अली हारने लगता है, ठीक है, ही वॉज ऑलमोस्ट, मतलब वो एक तरह से ऑब्वियसली बहुत हैवी अटैक हो गया उस पर, लेकिन 1782 में उसकी डेथ हो जाती है। और जो डेथ होती है, ध्यान रखना, इस जानू से बता रहा हूं कि डेथ जो होती है वो कैंसर से होती है। 1782 में डेथ हो गई। इसके बाद उसके भाई, सॉरी उसका बेटा टीपू सुल्तान ने इस लड़ाई को आगे खींचा एक साल तक, 1 ईयर तक। और जब बैटल ही खत्म हुई, वॉर खत्म हुई, तो इट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। क्लियर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर क्लियर हो गई। थर्ड,
1790 से 1792 के बीच में हुई ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि ट्रावनकोर के पास यहां दो पोर्ट थे, ठीक है, पोर्ट का नाम आएगा आगे लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रावनकोर के दो पोर्ट थे जो एक्चुअली फ्यूडिटरी थे टीपू सुल्तान के, देखा था फ्यूडिटरी ऑफ टीपू सुल्तान, मतलब उस पर राइट सॉवरन राइट टीपू का था, लेकिन ट्रावनकोर ने उसको बेच दिया और ये बात पे टीपू सुल्तान गुस्सा गया कि टीपू ने कहा कि दिस, ये तो मेरे सॉवरन राइट्स में आपने दखल दे दिया, एंड दिस वॉज द प्रॉब्लम। एंड यही डिफरेंस जो ट्रावनकोर के रूलर से उसका हुआ, वो दो पोर्ट्स के लिए जो एक्चुअली डच ने होल्ड किए थे, डच के पोर्ट्स थे, इस वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट कि भैया ट्रावनकोर ने दो पोर्ट्स थे, डच ने उसको होल्ड कर रखे थे, वो पोर्ट्स के ऊपर इशू हो गया, ट्रावनकोर ने उसको इंग्लिश को देने की बात करी, इंग्लिश के अलाई थे ट्रावनकोर वाले, इंग्लिश जो है ट्रावनकोर को मदद कर देता है और यहां पर लड़ाई हो जाती है ऑन द इशू ऑफ टू पोर्ट्स, डच पोर्ट्स, क्लियर। और फिर उसके बाद फिर 70 यहाँ ट्रीटी खत्म होती है तो ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम साइन करी जाती है एंड देन 1799 सब्सिडरी लाइंस वाज इंपोज्ड। अब टीपू सुल्तान ने यहाँ पर बहुत सारी टेरिटरी उसकी ले ली गई, टीपू सुल्तान की बहुत सारी टेरिटरी टीपू हार गया और इंग्लिश ने उसकी टेरिटरी ले ली, जो बची कुछ टेरिटरी थी 1799 में फिर से अब क्या हुआ कि सब्सिडरी लाइंस इंपोज करने की बात करी गई टीपू पे, टीपू ने मना कर दिया, नहीं करेंगे हम सब्सिडरी लाइंस, नहीं करेंगे। अब जब मना किया तो टीपू पे अटैक हुआ, टीपू फिर बचा नहीं पाया अपने किंगडम को, टीपू के हाथ से निकल गया, गेम ओवर, फोर्थ बैटल ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई और मैसूर वॉर के बाद, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद सब्सिडरी अलायंस जो है वो इम्पोज कर दिया गया, किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर। सब्सिडरी अलायंस क्या था कि इंडियन रूलर्स अपनी आर्मी अपने कोर्ट में नहीं रखेंगे, उनको प्रोटेक्शन कौन देगा, कंपनी की आर्मी। साथ में सब्सिडरी लाइंस में कहा गया कि आप कोई एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं करेंगे बिना कंपनी के परमिशन के। फिर कहा गया कि आप कोई और आर्मी मेंटेन नहीं करेंगे बिना परमिशन के। फिर कहा गया कि एक फॉरेन व्यक्ति यूरोपियन को आपको कोर्ट में रखना पड़ेगा अपने। और फिर पांचवा पॉइंट कहा गया कि हम लोग आपके इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देंगे। हम जगह दखल दिया और पांचवा पॉइंट लिख दिया सब्सिडरी लाइंस का कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देंगे। तो मैसूर के ऊपर सब्सिडरी लाइंस इम्पोज कर दिया गया और इस तरह से मैसूर जो है, जो भी किंगडम था, मैसूर जो लैंड थी, जमीन थी, वो मैसूर की ले ली गई और जो बची कुची जमीन थी वो वाडियार को वापस चली गई, है ना, वाडियार को रिटर्न कर दी गई। दिस वॉज द एंग्लो मैसूर वॉर्स। इसको नोट कर लीजिए, इसको बता लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीपू सुल्तान बेसिकली, इसके बारे में कुछ अगर इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है तो वो मैं आपको यहां पर लिखा सकता हूं कि टीपू सुल्तान कौन था। टीपू सुल्तान देखिए जरा, टीपू सुल्तान इज बेसिकली टाइगर ऑफ मैसूर। क्यों टाइगर ऑफ मैसूर, जाता है जंगल वो दोस्त के साथ और शेर उस पर हमला कर दे, टाइगर हमला कर देता है, वो टाइगर से लड़ता है जब तक उसको वो अपनी बंदूक नहीं उठा लेता है, टाइगर को मार देता है, दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर। छोटा सा आपको पैराग्राफ दिया गया है बस, ठीक है, ज्यादा इसमें ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं कहानी, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर। अब टीपू सुल्तान जो है, ही इज अ वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, काफी एजुकेटेड है, ही इज वेल एजुकेटेड और कई सारी भाषाओं में, जुबानों में फ्लुएंसी है, ऐसे कि पर्शियन, उर्दू, ये सब समझता है वो, अरबिक्स सब समझता है, ठीक है। इसके अलावा टीपू सुल्तान की इंपॉर्टेंस ये था कि ये रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन था, ठीक है, कैसे पता चलता है, ही रिकंस्ट्रक्टेड द शारदा टेम्पल विच वॉज डिस्ट्रॉयड इन द मराठा रेड, ठीक है। उसके अलावा प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगापट्टनम, प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगापट्टनम। सेकेंड, planted the tree of liberty in Srirangapatnam, became the member of Jacobin club, नहीं दिया है अभी आपके NCERT, बस मैं आपको खाली फॉर योर इंफॉर्मेशन से एक बता रहा हूं, ठीक है। एंड took the title of citizen टीपू,
took the title of citizen टीपू. थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो टीपू सुल्तान को लेकर आपको पता होनी चाहिए. क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. नाउ वॉर्स विद मराठास, प्लीज गिव द हेडिंग वॉर्स विद मराठास. काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये, हम इस पे आ गए. देखो ये तो पूरा हो गया, ये देखो कंपनी रूल बता रहे थे तो ये बता दिया, ये बता दिया, मैसूर हो गया, अब आ गए मराठा, लास्ट है. फिर इसके बाद कंपनी रूल पूरा एक्सपैंड जो पोर्शन है वो यहाँ खत्म हो जाएगा. कहानी भी यहां पर मैं ऐसी बताऊंगा इसकी, लिखिएगा वॉर विद मराठास. अब जरा इसकी कहानी एक बार आप सुन लीजिएगा तो आपको पूरा मजा आ जाएगा. वॉर विद मराठास सुनो जरा, लिखिएगा हिस्ट्री ऑफ पेशवाज, हिस्ट्री ऑफ पेशवाज. बहुत कम चीजें दे रखी हैं आपके एनसीईआरटी में, क्लास 8 के एनसीईआरटी में, लेकिन यहां पर आपको चीजें समझाने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं. देखो जरा सुनिएगा, पहले यहां पर एक बार आप पहले पेशवाज की हिस्ट्री लिख लीजिए. जो पहला पेशवा यहां पर हुए कौन था, प्लीज नोट करिए, बालाजी विश्वनाथ. पूरी मूवी आपकी बाजीराव मस्तानी सामने आ जाएगी आज. बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ होती है, ठीक है, ये फर्स्ट पेशवा, ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ होती है तो उसके बाद उसका लड़का बाजीराव वन ये गद्दी संभालता है. उसके बाद बाजीराव वन का बाद उसका, उसके यहां पर दो लड़के निकल के आते हैं, एक्चुअली चार लड़के थे उसके, ठीक है, लेकिन दूसरा लड़का और चौथा लड़का जल्दी मर जाता है. पहला लड़का था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ नाम है दादा का, बाप का नाम बाजीराव वन, तो लड़के का नाम बालाजी बाजीराव, क्लियर. और दूसरा था रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, ठीक है. फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद उसके यहां पर दो लड़के, एक था लिखिएगा माधव राव, माधव राव, माधव राव के बाद उसका एक भाई नारायण राव, ठीक है. नारायण राव के बाद जो राजा बनता है वो कौन है, माधव नारायण राव. भाई माधव राव, नारायण राव, इनका लड़का माधव नारायण राव, माधव नारायण राव. समझिएगा जरा कहानी, अब बना लीजिए, अभी पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी कहानी. और माधव नारायण राव के बाद प्लीज राइट बाजीराव टू, बाजीराव टू. ये नाना साहेब एडॉप्टेड सन जो बोलते हैं, एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव, ये नाना साहब अलग हैं. और यहां पर बालाजी बाजीराव को भी नाना साहेब बोला जाता था. अब जरा देखिएगा कहानी, प्लीज सी, दो मिनट लगेगा, दो मिनट, बस दो मिनट. बालाजी विश्वनाथ जब मूवी स्टार्ट होती है पद्मावत, तो पद्मावत मूवी शुरू होती है तो पहला सीन क्या दिखाते हैं, रणवीर सिंह जो है वो आ रहा है कोर्ट में चल के. और वहां पर कोर्ट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो गई है, पेशवा की डेथ हो गई है, और अब दूसरे पेशवा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. पेशवा का मतलब इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर. तो यहां पर अब बाजीराव वन जो है वो आता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि शस्त्र शास्त्र, शस्त्र से शास्त्र का हमको हमको ज्ञान दो, ठीक है ना, ये कहा जाता है कि आप भैया शस्त्र से शास्त्र का ज्ञान दो, ये बोला जाता है. और उसको कहा जाता है कि आप मोर का जो पंख है उसको आप स्प्लिट कर दीजिए दो टुकड़ों में, निशाना मारता है, पास हो जाता है और वो पेशवा बन जाता है. ये है आपका रणवीर सिंह, ये है आपका रणवीर सिंह, ठीक है. बाजीराव वन की शादी होती है काशीबाई से, काशीबाई यानी ये कौन है, प्रियंका चोपड़ा, आप प्रियंका चोपड़ा, पूरे बता रहा हूं जानबूझ के ताकि आपकी मराठा की हिस्ट्री दिमाग में बैठ जाए, क्लियर है. काशीबाई, अब बाजीराव वन जो है मराठास अपने एक्सपेंशन पे चल रहे हैं. ये टाइम पीरियड देखिए 1720 से लेकर 1740 तक का टाइम है, ठीक है. यहां पर टाइम मिल रहा है आपको 1740 से लेकर 1761 के बीच में है. ये पहले कौन बना राजा, पेशवा वन, फिर टू, फिर थ्री, देखते रहना, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर
सेवन भाई ये रह गए, और इन्हीं की वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है। सुनना कहानी है, मैं जानबूझ के बता रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए एंग्लो मराठा वॉर कैसे हो रही है। देखो जरा, शादी किससे हुई? बाजीराव वंश से। लड़के कितने हुए? चार लड़के हुए काशीबाई से। बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहेब भी कहते थे। देखो प्रियंका चोपड़ा नाना साहेब बोल रही है। सतारा भेज दिया जाता है, सतारा से लौटते हैं ये, तो देखते हैं कि इनके पिताजी मस्तानी बाई के प्यार में एकदम पागल हैं। दूसरी शादी मस्तानी बाई से हुई। वह मस्तानी से हुई। मस्तानी बेसिकली क्या था? दीपिका पादुकोण। पिक्चर दिमाग में बैठा लेना पिक्चर। और ये जो मस्तानी है, शी वाज द डॉटर ऑफ राजा छत्रसाल बुंदेलखंड, हिंदू राजा, राजपूत राजा, और मां रोहानी बेगम। ठीक है, तो इस वजह से जब ये ब्याह करके लाते हैं मस्तानी को वापस, तो बाजीराव की मां जो थी, मदर जो उसकी मां थी, वो एक्सेप्ट नहीं करती है मस्तानी को। राधा भाई आई थिंक, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करती है मस्तानी को कि भैया ये क्या है, हमारे ऐसे नहीं होती शादी। क्लियर है? तो जब ये वापस आता है, एक्सपेंशन पे होता है, और आपने मूवी देखी होगी कि वापस पहुंचता है, जब वापस अपने, तो काशीबाई जो है वो उसको घुमाती है, टूर कराती है, किसका? शनिवार वाड़ा का और आईना महल का। और आईना महल बताती है कि ये वो ऐसी जगह है आईना महल जहां से मैं अपने कमरे से आपको देख सकती हूँ। तो एक बार वन फाइन नाइट यही हुआ, रणवीर सिंह वहां पर मौजूद थे, दीपिका पादुकोण को एकदम, और ये चीज काशीबाई ने देख लिया, काशीबाई का दिल टूट गया, काशीबाई घर 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 छोड़ के चली गई। कुछ टाइम बाद जब वो वापस लौटती है महीनों बाद, तो हाथ में होता है रघुनाथ राव, इसी से बाजीराव से रघुनाथ राव। वहीं पर मस्तानी भी एक्सपेक्ट कर रही होती है, और मस्तानी भी यहाँ बच्चा डिलीवर होता है, और बच्चे का नाम था कृष्णा राव। अब तुम देखो मूवी में जब बच्चे का नामकरण करने की बात आती है कृष्णा राव की, तो ब्राह्मण मना कर देते हैं कि ही इज द इललेजिटिमेट चाइल्ड, इसका हम नामकरण नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर रणवीर सिंह इसका नाम बदल के क्या रख देता है? शमशेर बहादुर। बात समझ में आ रही है? अब जरा कहानी सुनिएगा, कहानी क्या है यहां पर। कहानी ऐसी है कि दोस्त, जब अहमद शाह अब्दाली ये अफगानिस्तान का रूलर है, ठीक है, अफगानिस्तान का रूलर है, और ये 1748 से लेकर 1761 तक कई बार ये इंडिया में रेड करता है। इसकी एक रेड जो इंडिया में होती है वो होती है 1757 में, और इस रेड में उसने पंजाब पे अपना कब्जा कर लिया होता है, और अपने यहाँ बेटे तिमूर शाह को गवर्नर बना देता है ऑफ पंजाब, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मराठास अटैक करते हैं, और जब मराठा अटैक करते हैं तो तिमूर शाह भाग जाता है। दिस वॉज द रीजन फॉर क्या, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का यही रीजन बन जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले बता दीजिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का ये रीजन बन जाता है। क्लियर हो गया? इस बैटल में सदाशिव कमांडर जो था मराठा का, वो भी मारा जाता है, मतलब मराठा ये हार जाते हैं लड़ाई को, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठास का कमांडर सदाशिव वो मारा गया, और पेशवा का यहां पर लड़का विश्वास राव यहां पर ये भी मारा जाता है। माधव राव, नारायण राव, और एक नोट कर लीजिएगा यहां पर एक और लड़का था यहां पर बालाजी बाजीराव का, विश्वास राव। अब देखो क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ एम्परर बना, मतलब पेशवा बना, फिर बाजीराव बल्लाल रणवीर सिंह, फिर उसका लड़का बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहेब, जो बेसिकली अपने बाप के अगेंस्ट हो जाता है क्योंकि वो उसका बाप मस्तानी के पीछे पड़ा होता है, बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव का यहाँ पर देखो एक भाई और था रघुनाथ राव, वो यहाँ है गया। बालाजी बाजीराव के बाद उसका लड़का माधवराव बना, उसका दूसरा लड़का नारायण राव बना। अब माधवराव जब मर गया तो कौन बना? नारायण राव। विश्वास राव पहले ही मर चुका है 17th बैटल ऑफ पानीपत में,
तो रघुनाथ राव वॉन्टेड टू बिकम दी पेशवा। अब ये भाई साहब पेशवा बनना चाहते हैं, इन्होंने क्या देखा, इनका डेस्परेशन था कि आई वॉन्ट टू बिकम दी पेशवा। उन्होंने देखा कि भैया जब भाई था मेरा तब तो बन नहीं पाया मैं, अब इसने क्या देखा कि माधवराव मर चुका है, नारायण राव मर गया है, अब जिंदा है विश्वास राव मर चुका है। उसने कहा कि अगर मैं नारायण राव को मार दूंगा तो नारायण राव का अभी कोई औलाद नहीं है, तो मैं जब ये मर चुका फैमिली ट्री में, ये मर चुका, इसको मार देंगे तो अगले गद्दी मुझे ही मिलेगी। तो इसने क्या किया, नारायण राव को मार दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वाइफ ने पोस्थमसली इसकी मौत के बाद बच्चे को जन्म दिया और इनका लड़का माधव नारायण राव बिकेम दी पेशवा। ये एक डेस्परेशन लेवल था रघुनाथ राव का कि अब क्या करें। रघुनाथ राव जाता है इंग्लिश के पास, हेल्प लेता है कि भैया मुझे राजा मुझे पेशवा बनाना है, बनना है। इंग्लिश कहता है ठीक है तुमको मदद कर देंगे लेकिन बदले में क्या, बदले बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब इंग्लिश ने यहां रघुनाथ राव की हेल्प करी, दिस वॉज दी पेन, मतलब ये एक तरह से बाकी जो कन्फेडरेसी थी मराठा की वो गुस्सा गई कि भाई ये अंग्रेज हमारे हमारे मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। दिस वॉज द रीजन फॉर दी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। बात समझ में आ गया, पहली एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुई, रघुनाथ राव ही वॉन्टेड टू बिकम दी पेशवा, ये नहीं बन पा रहा था, इंग्लिश से सपोर्ट मांगा, इंग्लिश सपोर्ट दे दिया, बाकी मराठाओं को मराठा रूलर्स को खराब लगा, कॉन्फेडरेसीज को ये क्या तरीका है, और दिस वॉज द रीजन कि भैया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है। ये कहानी पूरी होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब जरा यहाँ पर इस एक बार ना सब चीज़ें लिख लीजिए, लिखिएगा जरा, प्लीज राइट, लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मराठास जो है, मराठास देवर बेसिकली डिवाइडेड, मतलब इनफैक्ट ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिखिए कि कई सारी स्टेट्स में डिवाइडेड थे, मैनी स्टेट्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज रिफर्ड टू एज कॉन्फेडरेसी। क्या कहा जाता है, कॉन्फेडरेसी। अब इसमें कई सारे लोग थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे होलकर्स, होलकर्स कहाँ मिलते हैं आपको, इंदौर में, कहाँ मिलेंगे, इंदौर में। भोसले कहाँ मिलेंगे आपको, नागपुर में। सिंधिया कहाँ मिलेंगे आपको, ग्वालियर में। ये कन्फेडरेसीज है, कन्फेडरेसी, ठीक है। गायकवाड कहाँ मिलेंगे आपको, बड़ौदा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी खाली एनसीईआरटी में इतना बता दो, कन्फेडरेसी स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में मराठा किंगडम डिवाइड हो गए थे, ठीक है, और ये कन्फेडरेसी बन गई थी इस तरह की। अब यहाँ पर लड़ाई और लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली देखिए, यहाँ लिखिएगा एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा, तीन लड़ाई थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन लड़ाई थी। लेकिन तीन लड़ाई के बारे में डिटेल में आपके में कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया है। पहली लड़ाई जो है, ईयर लिखिए उसका, 1776 से लेकर 1782 तक, 1776 से लेकर 82 तक, और ये लड़ाई खत्म होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है जब वो लास्ट में ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो जाती है, तो ठीक है। फिर देखिए 1803 से लेकर 1805 तक, 1805 तक, यहाँ पर जो एरियाज थे दिल्ली, आगरा, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा, आगरा, दिल्ली, ये सब कैप्चर कर लिया गया। नोट करिए, ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली, आगरा, उड़ीसा, ये सब कैप्चर कर लिया, और दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ठीक है। और अब यहाँ पर भी रीज़न है, लड़ाई का क्या रीज़न था, कभी डिस्कस करेंगे डिटेल से, अभी इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। वरना बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पेशवा था उसने यशवंत राव होलकर के भाई को मार दिया, होलकर के भाई को मार दिया, ठीक है ना। अब पूना में पेशवा, तो ये तो चार लिख दिया, पेशवा कहाँ पर, पूना में, तो यशवंत राव होलकर के भाई को मार दिया यहाँ पर, ठीक है, पेशवा ने। तो इससे क्या हुआ, होलकर ने बवाल कर दिया कि ये क्या कर रहे हो, तो बाकी सारे लोग मिलके पेशवा के अगेंस्ट आ गए। समझना जरा बात को, बाकी सारे लोग मिलके पेशवा के
अगेंस्ट आ गए। तो पेशवा ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, वो भागा किसके पास, लिखिए यशवंत होलकर, इसके ब्रदर को मार दिया, किल्ड। ठीक है, तो सब क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, सब क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट किसके, पेशवा के। पेशवा ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, इंग्लिश की मदद ली, इंग्लिश की मदद ली। ये है ट्रीटी ऑफ आई थिंक बसीन, ये हो गई थी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों होती है, ऑन द इशू ऑफ पिंडारीज। पिंडारी सेंट्रल इंडिया में आते हैं, काफी बवाल कर रहे होते हैं, इंग्लिश दे वॉन्टेड टू क्रश दी मराठा पिंडारीज, और मराठा एक बार अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कैसे हमको मौका मिल जाए मारने का, हमला करने का अंग्रेजों पे। तो अंग्रेज जो है पिंडारी को क्रश करने निकलते हैं, यहाँ पर जो मराठा है वो अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ मराठा हार जाते हैं और जो पेशवा है उसको पेंशन दी जाती है और बिठूर नियर कानपुर भेज दिया जाता है। ये सब, ये जो पॉइंट है ना, बिठूर नियर कानपुर, ये आपके एनसीईआरटी में है, लिखिएगा 1817 से 1818, 1817 से 1818, 1817 से 1818, ऑन इशू ऑफ पिंडारीज, नोट कर लीजिए, और आखिरी में पेशवा आउटकम गिवन क्या है, आउटकम क्या है, पेशवा गिवन पेंशन प्लस सेंट टू बिथुर नियर कानपुर। ठीक है ना, आउटकम ये है आपकी तीनों एंग्लो मराठा वॉर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, अब लिखिए हेडिंग, लिखिए आगे क्लेम टू पैरामाउंटसी, क्लेम टू पैरामाउंटसी, लिखिएगा क्लेम टू पैरामाउंटसी। अब पैरामाउंटसी क्या होती है, पहले तो समझ लो, पैरामाउंटसी मतलब हमारी अधीनता होना, पैरामाउंट है। तो बेसिकली यहां पर यह बात कह दी गई अंग्रेजों के द्वारा कि जो नवाब हैं वो हम, वो भैया वो हम उनके, हम उनके, हम उनसे ऊपर हैं, और यहां पर यह बात नवाबों को मान लेनी चाहिए कि हमारी पैरामाउंटसी है, क्लेम कर लिया गया, क्लेम करना चाहिए पैरामाउंटसी। ठीक है ना, तो पैरामाउंटसी को समझ में आ गया। एनसीईआरटी कहता है कि नया पॉलिसी लेके आए, इनिशिएट किया गया, न्यू पॉलिसी इनिशिएटेड, लिखिएगा प्लीज नोट कर लीजिए, न्यू पॉलिसी इनिशिएटेड, न्यू पॉलिसी इनिशिएटेड, और न्यू पॉलिसी के हिसाब से क्या, पैरामाउंटसी, न्यू पॉलिसी क्या, पैरामाउंटसी। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एक बार एनसीईआरटी रीड करिए जरा, वो लिखा है कि भाई कंपनी ये क्लेम कर रही थी कि वो सुप्रीम है और जो पावर्स हैं इंडियन स्टेट्स हैं वो उनसे कम है। ठीक है, पैरामाउंटसी मतलब क्या, कंपनी क्लेम्ड, कंपनी क्लेम्ड सुप्रीमेसी ओवर इंडियन स्टेट्स, हम इंडियन स्टेट्स के यहां पर ऊपर है। ये था आपका क्लेम ऑफ पैरामाउंट, सिंपल कॉन्सेप्ट, और ऐसा तो कुछ है नहीं वहां पर। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगा, कोई ऐसा बोल देगा कि हमारे इंडियन स्टेट्स हमारे हमारे अंडर हैं, ये हम उनसे सुप्रीम है, सुन लेंगे लोग, जी नहीं। नोट करिएगा आउटकम, चैलेंज किया गया इसको, चैलेंज्ड, और कौन चैलेंज करता है, दो दो यहां पर एग्जाम्पल आते हैं, क्या क्या, पहला लिखिएगा रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा, चेन्नम्मा, अरे रानी चेन्नम्मा, चेन्नम्मा, और दूसरा रेजिस्टेंस बाय रयाना, रयाना, रेजिस्टेंस बाय रयाना। दोनों लोगों ने यहां पर ऑपोजिशन किया कि नहीं, रेजिस्टेंस बाय रानी चेन्नम्मा, एक रानी चेन्नम्मा ने अपोज किया और रेजिस्टेंस बाय रयाना, दोनों ने यहां पर इसको चैलेंज किया कि नहीं, हम पैरामाउंटसी को यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, हालांकि दोनों को यहां पर बाद में
मतलब इनको हैंग कर दिया गया, हैंग्ड, इसको हैंग कर दिया गया, और ये भी इनको भी प्रेजेंट कर दिया गया, प्रेजेंट। एंड ऑफ कोर्स आप देखोगे तो ये एग्जीक्यूट जो कर ही दिया गया था, ये अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, इनको ऐसा लिख लीजिए आप, अरेस्टेड इन 1824, जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है, अरेस्टेड इन 1824, ठीक है, और डाइड इन प्रिजन इन 1829, डाइड इन प्रिजन कब, इन 1829, क्लियर है, नोट कर लीजिए। इनको हैंग कर दिया गया था, हैंग्ड इन 1830। अब ये तो खाली इतना नहीं था, इसके अलावा देखोगे तो सिंध हो गया, अफगानिस्तान का भी डर सता रहा था, कि रशिया का डर सता रहा था इन लोगों को, खाली ओरली बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, कि भैया अफगानिस्तान जो रशिया था वो भी एडवांस कर रहा था और इनको डर सता रहा था रशिया का, ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, ताकि वहां पर आके ना बैठ जाए वो, ठीक है, तो अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल बनाया उन्होंने, और इसके अलावा सिंध को कैप्चर किया उन्होंने, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कई जगह मल्टीपल जगह पे अपना क्लेम, अपनी सुप्रीमेसी को यहाँ पर बताया, बनाने की बात करी गई, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह थे तो पंजाब पे इनिशियली कंट्रोल नहीं किया, लेकिन बाद में पंजाब भी आ गया था, एनेक्स हो गया था, ठीक है, पंजाब भी एनेक्स कर लिया गया था आफ्टर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप चाहो तो मैंशन कर सकते हो, किस प्रकार से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया गया, किस प्रकार से सिंध को कंट्रोल किया गया, और किस प्रकार से आप देखोगे तो पंजाब भी एनेक्स हो गया, आप सब चीजें उनकी एनेक्सेशन में आ रही थी, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, कैसे कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया, ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब आता है नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बड़ा ही लंबा चैप्टर है, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें और मैं भी काफी ज्यादा थक गया हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो पता है, सबको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, टू बी प्रिसाइज क्या बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कह रहा है कि अगर कोई इंडियन रूलर मरता है बिना किसी मेल एयर के, अगर कोई इंडियन रूलर मरता है, लिख लीजिए आप, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट मेल एयर, मेल एयर जरूरी है देखो, ठीक है ना, तो उसका जो प्रोविंस है या उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। सो इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट मेल एयर तो क्या हो जाएगा, हिज जो एरिया है जो बोला गया है उसका किंगडम वुड लैप्स टू द कंपनी, लिख लीजिए किंगडम क्या होगा, वुड लैप्स टू कंपनी। अब सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर उन्होंने एक आर्गुमेंट और जोड़ दिया, और वो क्या एनसीईआरटी कह रहा है, मिस गवर्नेंस का, एडेड अनदर आर्ग्यूमेंट, क्या मिस गवर्नेंस, कि भैया अगर आपने मिस गवर्नेंस किया तो भी आपका हम यहां पर किंगडम जो है वो ले लेंगे, तो ये भी उन्होंने ऐड करके ये कहा कि भैया अगर आपने मिस गवर्नेंस किया तो भी हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आपका किंगडम को हम ले लेंगे। हुआ भी, एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अवध को इसी ग्राउंड पे ले लिया गया था, अवध वॉज टेकन ऑन दिस ग्राउंड, नोट करिएगा, अवध टेकन ऑन दिस ग्राउंड, अवध को इस ग्राउंड पे ले लिया गया था। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन सी यहां पर जगह थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों के पास चली गई थी, ये भी एक एक्सपेंशन था, तरीका था कंपनी ने जो एक्सपैंड करने का ढूंढा था। तो मैंने आपको बताया, कई तरीके बताए, क्लेम ऑफ पैरामाउंट भी यहां पर आप जोड़ सकते हैं कंपनी रूल एक्सपैंड में, एक हो गया डुअल गवर्नमेंट सब्सिडियरी लाइंस, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फेडरेशन, इसके अलावा आप देखोगे तो क्या हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, कैसे कंपनी देखो एक्सपैंड कर रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया है ना, इसके अलावा क्लेम ऑफ पैरामाउंट हो गया,
किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करने की कोशिश करी वो यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे कि पैरामाउंट सी, हम इसकी बात करें अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, तो जैसे सतारा हो गया, सतारा हो गया, जैसे कि संबलपुर हो गया, ठीक है, जैसे कि आगे देखोगे तो झांसी हो गया, और जगह कौन कौन सी बताइएगा मुझे, ठीक है। तो सतारा हो गया 1848, संबलपुर हो गया 1850, उदयपुर एनसीईआरटी जगह 52 में, नागपुर 53 में, झांसी 1854 में। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये एरियाज थे, किंगडम थे, जो लैप्स हो गए थे, अंग्रेजों को चले गए थे, ठीक है ना। रानी लक्ष्मी भाई कहानी आपने यहाँ पर सुनी होगी, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यहाँ पर ही खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पोर्शन पे, विच इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन। लिखिएगा, हेडिंग डालिए सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी स्ट्री क्या बता दीजिएगा, या फिर सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ था नहीं, कैसे, अरे भैया क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की प्रोविंसेस थे उसको प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया, बंगाल है ना, बंगाल, मद्रास, कलकत्ता और मद्रास में तीन प्रोविंसेस हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट होंगे ये बता दिया गया। एक कोर्ट होगा जो दीवानी मैटर्स को देख, मतलब एक कोर्ट होगा जो आपके उनको देखेगा सिविल मैटर्स को, एक होगा जो क्रिमिनल मैटर्स को देखेगा, क्रिमिनल मैटर्स वाला का जो सिविल मैटर्स का मतलब ये है कि कौन इसका किसका डिसीजन फाइनल होगा, कलेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा। सिंपल सिंपल चीज़ें जो आज चल रही है एक तरीके से मोर और लेस सेम, वो चीज़ यहाँ पर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अब अंग्रेज सेटअप कर रहे हैं, वही तो हम लोग आज चला रहे हैं यहाँ पर, उसी को यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर बहुत सारे सेवरल रिफॉर्म्स यहाँ पर लिखे लाए, वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म्स, और ये रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली आप देखोगे पर्टिकुलरली इन जुडिशियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, आपका एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो तीन प्रेसिडेंसीज में डिवाइड हो गए थे, ऐसे लिख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई गई और यहां पर तीन प्रेसिडेंसीज की बात करी गई। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी है, पहली नोट करिएगा, फर्स्ट बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, ठीक है। ये तीन प्रेसिडेंसीज की यहां बात करी गई, हर प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर रूल करेगा, ईच प्रेसिडेंसी यही तो हमने देखा था ना कि भैया गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, यही तो देख रहे थे बाद में हम लोग। हम लोग यही चीज जान रहे हैं कि आगे हम लोग जब जाके नाम लेंगे ना कि भाई गवर्नर ऑफ मद्रास है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, गवर्नर ऑफ बंगाल है, तो ये समझ में आ जाएगा अच्छा ये पोस्ट कहाँ से आई, ये डेजिग्नेशन कहाँ से आया। तो ये सिस्टम यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स जब आए तो हमने काफी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर किए, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई तो तीन प्रेसिडेंसीज में यहाँ डिवाइड किया गया, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंसीज है, ईच प्रेसिडेंसी में क्या होगा, हेड कौन होगा, गवर्नर यहाँ पर हेड होगा उसका, नोट किया जाए, ठीक है। सुप्रीम हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा, एक तरीके से इनका सुप्रीम हेड कौन होगा नोट करिएगा, गवर्नर जनरल, तभी तो आप सुनोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये नाम यहां पर आ गया, नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पर एक नया जुडिशियल सिस्टम आया, नोट करिए 1772 में, प्लीज नोट 1772, यहाँ पर एक न्यू जुडिशियल सिस्टम आया। बताया ना मैंने बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए थे, न्यू जुडिशियल सिस्टम आया। इसके हिसाब से आप देखोगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट्स होंगे, ईच डिस्ट्रिक्ट बहुत यहां पर ये थोड़ा सा रफ बहुत ड्राई टाइप की चीज है, दो कोर्ट्स होंगे। एक कोर्ट आप देखोगे तो होगा फौजदारी क्रिमिनल और एक होगा सिविल, एक होगा ऑब्वियसली क्रिमिनल मैटर के लिए और एक होगा सिविल मैटर के लिए, ठीक है ना, एक होगा सिविल मैटर के लिए, ठीक है। क्रिमिनल मैटर की बात करेंगे तो भाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फौजदारी अदालत, ठीक है ना। सिविल मैटर की बात करेंगे तो लिखिएगा दीवानी अदालत। यहां पर क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन कर रहा है, ये मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स किसके अंडर है, काजी एंड मुफ्ती। लेकिन फाइनल से किसका होगा, कलेक्टर का होगा, जो फाइनल चीज होगी वो कलेक्टर की होगी। यहां पर आ जाइए, दीवानी में आ जाइए, तो यहां पर कौन है, देखिए एनसीईआरटी कह रही है कि यहां पर भी कलेक्टर था और लॉज जो इंटरप्रेट होते थे वो मौलवीज और पंडित करते थे, ठीक है। यहां पर भी यूरोपियन कलेक्टर है उसका यहां पर फाइनल से होगा, और जो लॉज हैं वो कौन इंटरप्रेट कर रहा है, लॉज इंटरप्रेट कर रहे हैं मौलवीज एंड पंडित्स। तो भैया ये कहा गया कि भैया इसको चेंज करो, अच्छा थोड़ी लग रहा है कि भैया मौलवी पंडित सब काम ही कर रहे हैं, है ना, मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करो, हिंदू लॉ को कोडिफाई करो, ये सब की डिमांड यहां पर जो है बढ़ गई थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, लोकल लॉस के इसकी वजह से, जब भैया अगर ये लोग इंटरप्रेट करेंगे, है ना, अगर काजी मुफ्ती के हाथ में रहेगा तो इसका क्या बनेगा प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आएंगी। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, जाहिर सी बात है लॉज को कोडिफाई करने को बोल दिया गया, तो हिंदू के लिए 11 पंडितों को बोला गया कि आप यहां कोडिफाई करिए, ऐसे मुसलमानों को बोल दिया गया कि आप भी यहां पर कोडिफाई करिए। तो इन 1775 में 11 पंडितों को बोला गया, नोट कर लीजिए, अभी 1775 में 11 पंडित्स को बोला गया कि कोडिफाई करिए, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एनबी नाम आता है, एनसीईआरटी में नाम लेता है एनबी हालहेड, इन्होंने ट्रांसलेट किया इन लॉस को इंग्लिश में, एनी हालहेड ट्रांसलेटेड इट इनटू किसमें, इंग्लिश, ठीक है। ऐसी हम मुसलमानों की बात करेंगे, 1778 में कोडिफाई किया गया यूरोपियन जजेस के लिए, यूरोपियन बेनिफिट के लिए। 1778 में मुस्लिम के लॉज को कोडिफाई किया गया, तो ये सब चीजें चल रही थी। एंड देन यू विल सी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हो जाता है कलकत्ता में, जिसके फर्स्ट जस्टिस आपको पता है एलिजे एम्फी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्टैब्लिश हो जाता है, क्लियर, नोट किया जाए, क्लियर हो गया। अपील होती थी सदर निजामत अदालत में, खैर अपील का इतना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, क्लियर हो गया। अब आगे आइए, कुछ चीजें यहां पर हैं जो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं,
कुछ ज्यादा उसमें है नहीं है। देखिए जरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो हाईएस्ट ऑफिसर कौन था कहां पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट ऑफिसर कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आज भी आप जा देखोगे तो ये आपको मिलेगा, हाईएस्ट ऑफिसर कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेन वर्क क्या था इनका, जैसा कि पता चल रहा है, कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्सेस और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यही चीज आज आप देखते हो ना होगा विद द हेल्प ऑफ, यहां पर हेल्प ली जाती है जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की और दरोगास की। यही है पुलिस होती है आज भी, लॉ एंड ऑर्डर को जहां पर खाली ऑर्डर किए जाते हैं फिर पुलिस जाकर उसको संभालती है, दरोगा होते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के टाइम, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, कलेक्टर का पोस्ट ऐसे आया था। ऑफिस ऑफ द कलेक्टर, द कलेक्टरेट, आज भी कहते हैं भाई कहां गए, कलेक्टरेट गए हैं। ये अंग्रेजों का टाइम से चला आ रहा है, तभी अब देखो इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाने लगा है, कलेक्टर साहब नहीं कहते हैं भाई, क्या है कलेक्टर है इनका। पहले काम होता था कलेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं और कलेक्ट रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलने लगे। तो ऑफिस ऑफ द कलेक्टर है वो द कलेक्ट्रेट हो गया, बिकेम अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब नया पावर जो है, अब ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप हो गया कि अब पावर किसके हाथ में आ गई, कलेक्ट्रेट में आ गई, कलेक्टर के हाथ में पावर आ गई। ठीक है, तो उन्होंने इसमें जब यहाँ पावर आ गई तो काफी जो पावर थी वो रिप्लेस हो गई, जो प्रीवियस अथॉरिटीज के पास होती थी अब वो शिफ्ट होकर किसके पास आ गई, कलेक्टर के पास आ गई, कलेक्ट्रेट में चली गई। क्लियर है। कंपनी आर्मी, अब कंपनी की आर्मी थी जरा देखिए, मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। अब उसमें कौन कौन था मुगल आर्मी में, कैवलरी था, मतलब घुड़सवार थे, है ना, ट्रेंड सोल्जर्स इन हॉर्स एंड इन्फेंट्री, उसमें पैदल पैदल चलने वाले लोग थे। तो मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ, मुगल आर्मी में कौन था मेनली, वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी, मतलब घुड़सवार थे, ट्रेंड सोल्जर्स एंड हॉर्स, ठीक है, और इन्फेंट्री थी। देखो लेटर ऑन क्या हुआ, अब क्या हुआ, मुगल स्टेट्स जो थी लाइक अवध, लाइक बनारस, स्टार्टेड रिक्रूटमेंट ऑफ इट्स पर्सन्स एंड ट्रेन देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। बाद में उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह यहां पर रिक्रूट कर दिया जाता है इन मुगल स्टेट्स के अंदर। ठीक है, द कंपनी फॉलोड द पैटर्न ऑफ अवध एंड बनारस। कंपनी ने अवध और बनारस के पैटर्न को फॉलो किया, यानी कि सोल्जर्स को यहां पर ट्रेन किया। ठीक है, बाय 1820 कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी रिड्यूस्ड। कैवलरी की रिक्वायरमेंट कम हो गई, क्यों, बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा। ठीक है, द कंपनी फॉलोड द पैटर्न ऑफ अवध एंड बनारस। बाय 1820 कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट। तो उसमें बिजी हो गए वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर द कंपनी कंसंट्रेटेड ऑन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैविंग मस्केट्स एंड मैचलॉक्स गेन्स। कंपनी इज फोकस्ड ऑन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन ऑफ द सोल्जर्स। बेसिकली कंपनी का कहां मेन क्या था कि वो जो भी अपने आर्मी को ट्रेन कर रहे थे, है ना, वो यूरोपियन लाइंस पे यहां पर करा जा रहा था। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज एक्चुअली है नहीं। अब देखो स्टीम टेक्नोलॉजी, न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प द कंपनी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। अब ट्रेडिंग कंपनी थी अभी तक ये, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टीम टेक्नोलॉजी अब ये टेरिटोरियल यहां पर कॉलोनियल पावर हो रही थी। कैसे, स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 वीक्स फ्रॉम 6 to 8 months। अब जब स्टीम शिप्स आ गई, मतलब आपके स्टीम इंजन हो गए, स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो स्टीम इंजन आ गए, इन्होंने क्या किया, दो जगह के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया। जहां पर पहले आपको जाने में 6 से 8 महीने लग रहे थे, जहां पर पहले आपको यहां जाने में 6 से 8 महीने लग रहे थे, अब वहां पर आप 3 हफ्तों में पहुंच सकते थे। तो स्टीम टेक्नोलॉजी ने यहां पर ये हेल्प करी। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि बाय 1857 ब्रिटिश एक्साइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट, ब्रिटिश का जो कंट्रोल था 1857 तक, लगभग 63% जो है वो इनका टेरिटरी पे था, डायरेक्ट रूल, और 78% ऑफ द पॉपुलेशन पे कंट्रोल। मतलब देख रहे हो आप कि 1857 आते आते वो इतना ज़्यादा सॉलिड हो गए थे कि 63% ऑफ द इंडियन टेरिटरी पे रूल कर रहे थे और 78% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को रूल कर रहे थे। जो बाकी बकाया हुआ है सर, उसका क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द जो एरिया था और जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी। ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी कंपनी के। अब ये खाली समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है इसको, तो यहां पर हम लोग जो है वो हटा देंगे। ठीक है, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए यहां पर इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई होप ये बात समझ में सबको आ गई होगी अच्छे से, ये चैप्टर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो बहुत सिंपल है, मतलब आज के टाइम का है, मे बी आई एम टायर्ड तो आपको इतना एनर्जी ना लगी हो, बट कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें।
मतलब बस यही है कि भाई बता दिया मैंने आपको, नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई, तीन प्रेसिडेंसीज बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है ना, बंगाल मद्रास और बॉम्बे, और यहाँ पर तीनों जो हैं प्रेसिडेंसी उसको गवर्नर यहाँ पर हेड करेगा, सुप्रीम हेड कौन हो गया, गवर्नर हो गया। फिर बताया मैंने आपको जुडिशियल सिस्टम में क्या चेंज है, हर डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट्स होंगे, एक कोर्ट होगा क्रिमिनल कोर्ट, एक कोर्ट होगा सिविल कोर्ट। अब इसको क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी कोर्ट कहते हैं, अदालत कहते हैं, सिविल कोर्ट को दीवानी कोर्ट कहते हैं। ये अंडर काजी और मुफ्ती था, यहाँ पर यूरोपियन कलेक्टर का डिसीजन फाइनल था, भले ही काजी और मुफ्ती के अंडर था लेकिन फाइनल से कलेक्टर का ही था, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, ये लॉज को कौन इंटरप्रेट कर रहा है, मौलवीज और पंडित कर रहे हैं। इसकी वजह से मतलब क्या था कि लॉज अगर मौलवी पंडित इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मौलाना अपने हिसाब से करेंगे, पंडित अपने हिसाब से करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो रहा था। सॉल्यूशन क्या था कि लॉस को कोडिफाई कर दीजिए, तो यही यहाँ पर हुआ। 1775 में 11 पंडित को बोला गया कोडिफाई करने को, उसको एनबी हालेड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, मुस्लिम के लॉस को 1778 में कोडिफाई करने की बात करी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, सुप्रीम कोर्ट उससे बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आज भी है, काम क्या है, पहले कलेक्टर कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का था, लेकिन और क्या था, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी था, टैक्सेस कलेक्ट करने का काम था, है ना, और वो असिस्ट किया जाता था विद द हेल्प बाय दरोगाज एंड पुलिस एंड जजेस, इन सबके द्वारा वो यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। सारी पावर जो है अब वो कलेक्ट्रेट के हाथ में आ गई, पहले जो दूसरी अथॉरिटीज़ के पास थी अब वो कलेक्ट्रेट के पास आ गई। कंपनी की आर्मी की बात करें, अब हम आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी जो है वो मेनली मुगल आर्मी किस में थी, कैवलरी थी, मतलब घुड़सवार हुआ करते थे। मुगल्स की स्टेट्स में ऐसे अवध बनारस की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टेड रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन इट्स एंड ट्रेन देम एज प्रोफेशनल, मतलब कुल ला के थोड़ा इंग्लिश ग्रेप लिखिए, मतलब मुगल स्टेट्स में जो ट्रेनिंग होने लगी वो प्रोफेशनल सोल्जर्स की अब यहाँ पर ट्रेनिंग होने लगी। पहले मुगल आर्मी में देखोगे तो क्या था भैया, कैवलरी मैन चल रहे थे ना, हमने सवार और जात पढ़ा था, तो कैवलरी मैन चल रहे थे लोग, पैदल जो प्यादे होते हैं जो चेस में खेलते हो, पैदल वाले लोग थे यहाँ पर, ठीक है। तो मुगल्स ने यहाँ पर क्या किया, उनको ट्रेन किया, प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया, क्लियर है। फिर द कंपनी फॉलोड द पैटर्न ऑफ अवध एंड बनारस, बाय 1820 कैवलरी रिक्वायरमेंट्स फुल स्टॉप, बाय 1820 कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी रिड्यूस बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, क्लियर है। तो फाइनली कंपनी फोकस ऑन यूरोप स्टाइल ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग की स्टाइल था, जो ट्रेनिंग दी गई सोल्जर्स को वो किसमें था, वो इस प्रकार से यहाँ पर था, यूरोपियन स्टाइल में था, ट्रेनिंग ड्रिलिंग और सब चीज़ें डिसिप्लिन सब सिखाया गया। स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी वजह से डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, है ना, क्या हुआ इससे, डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, क्लियर है। कंक्लूजन क्या आ गया, ठीक है, 1857 आते आते डायरेक्ट रूल जो ब्रिटिशर्स का था वो 63% लैंड पे था और 78% पॉपुलेशन पर था, बाकी लोगों पे इनडायरेक्टली था, बस इतना ही यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पर बड़ा था लेकिन आज अब ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स ये सब अच्छे समझ में आया होगा, एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये एक एफर्ट लिया है कि आपको थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके कहानी बताई जाए। जैसे मैंने आपको एंग्लो मराठा वॉर्स में पूरी कहानी बताने की कोशिश करी है, कैसे सब चीज़ें चली हैं। एंग्लो मैसूर वॉर्स में मैंने आपको रीज़न बताया क्यों वॉर लड़ी गई थी, क्यों हुआ था, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो उम्मीद है आपको दोस्त समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।